أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم معزز سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله اب جو سوالات जो आप में लास्ट टाइम जो सवाल आए हैं उसमें से मैंने एक सवाल को उठा के तकरीर के सूरत में बदल देती हूँ। जो आधा घंटा पौना घंटा जो हम तकरीर करते हैं ना, तो उसमें से मैंने इस एक सवाल को उठाया है। सवाल ये है कि हम पॉजिटिविटी इख्तियार करना चाहे तो कैसे करें, क्या रास्ता है कि हम पॉजिटिव हर वक्त पॉजिटिव ही सोचे, हमारी सोच पॉजिटिव बन जाए, नेगेटिव ना हो, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। और यही कामयाबी का बहुत बड़ा राज है, पॉजिटिविटी। और हमारा मौजू चल रहा है पहले दिन से कामयाबी का राज। हमने उस वक्त सूरह लैल को लिया था, 10 आयतों को हमने उठाया था और उसमें बताया था कि कामयाब कौन नाकामयाब कौन, दुनिया और आखिरत दोनों जहान में। आपको सबको याद है कि तकवा और फी सबीलिल्लाह इन्फाक, अल्लाह के राह में अता देना, अता करना, देने वाला हाथ हो, तो ये कामयाबी का राज है। ये दो सिफात भी कैसे हासिल होती है? जजा पे यकीन, सद्दक बिल हुस्ना। जजा पे यानी अल्लाह के तरफ से अदल इंसाफ का मालिक है, बल्कि तफद्दुल है, जो हर नेकी के कई गुना जजा देता है, उनका यकीन होता है। तो इंसान तकवा की मंजिल और इन्फाक फी सबीलिल्लाह को अंजाम देता जाता है और कामयाब होता है, दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है, एक सुकून की जिंदगी गुजारता है। ये हमारा पहला दर्स चला था, आहिस्ता आहिस्ता हमें आए, फिर मसला आया कि शरीक हयात का इंतखाब, ये भी एक कामयाब जिंदगी गुजरती अगर हमने शरीक हयात का सही इंतखाब किया है, जिसके लिए इस्लाम ने सख्त ताकीद की है और बताया है कि पहले दीन को देखो, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, दुनिया को भी देखो, जरूर देखो, मगर पहले प्रायोरिटी आखिरत को देखो वगैरह। तो जो शरीक हयात का सही इंतखाब करता है तो जिंदगी बहुत कामयाब जाती है और आखिरत में भी बहुत बड़ा मकाम हासिल होगा। मगर अगर ये बात भी हुई कि इंतखाब में गलती हो गई, इंतखाब में हमने गलत न्यूज मिला लड़के के बारे में, लड़की के बारे में, और रियल लाइफ में और कुछ नजर आया, तो अब उनको हम कैसे तरबियत करें, एक दूसरे की तरबियत कैसे करें, कैसे एक दूसरे को नजरअंदाज करें। और तरबियत खास करके यहाँ औरतों पे ज्यादा अल्लाह ने तवक्को किया है, क्योंकि तरबियत की सलाहियत औरतों को दिया है, उनकी गोद को दरसगाह बनाया है, उनको नबुवत और इमामत का काम दिया है, तो इसीलिए उनसे ज्यादा अल्लाह ने तवक्कात रखा है, एक्सपेक्टेशंस हमारे से ज्यादा रखा है, क्योंकि वो सलाहियतें दी है। उस सलाहियत को हमें इस्तेमाल करके शौहर की तरबियत करनी पड़ती है, इनकी नए सिरे से तरबियत। जो माँ ने गलत तरबियत दी, या गलत दोस्तों में चले गया, गलत यूनिवर्सिटी में चला गया, गलत माहौल मिला, या हेरिडिट्री में दादा परदादा परनाना किसी की गलत आदत ले लिया, हेरिडिट्री में आ गई, तो फिर उनकी तरबियत एक औरत कर सकती है। अगर गलत इंतखाब हो गया, अभी हो गई गलती हो गई है, अब उसका इजाला क्या औरत ही कर सकती है, मर्द में वो सलाहियत नहीं है। उनको कमाने की सलाहियत अल्लाह ने दी है, ना नफका लाने की सलाहियत उनको दी है, तो औरत को ये बहुत कुछ काम कर सकती है। तो हमने फिर शहजादी का अय्याम आ रहे थे, हम देखा कि चार तबस्सुम शहजादी का मद्देनजर रखे, उन चार बातों पर गौर और फिक्र करे तो हम अमल पे रहो तो हमारी जिंदगी दुनिया और आखिरत की कामयाबी गुजरती है। इसमें पर्दे की अहमियत ज्यादा दी गई है, जितना इंसान पर्दे को ज्यादा अहमियत देता है इतना उसकी शर्म हया ज्यों ज्यों बढ़ती चले जाएगी, यूं कामयाब जिंदगी गुजरेगी दुनिया की और आखिरत। क्यों? अल हया मिन अल ईमान, हया ईमान से है। और रसूल ने तो कह दिया कि जिस घर में ला दीन दीन लिमन ला हया, जिसके घर में हया ने दीन ही नहीं है। ये बातें सारी एक आज समरी कर रहे हैं कि हम कहां तक पहुंचे, और आखिरी बात हम पहुंचे लास्ट टाइम सूरे बलद की 9 नंबर का सूरा, 4 आयत, कितनी बड़े बड़े कसम खा के अल्लाह के लगत खलकना इंसान और फी कब्र, इंसान को हमने दुख दर्द के लिए,
मुश्किल और परेशानी के लिए, रंज और गम के लिए, बीमारी तकलीफ के लिए हमने इस दुनिया में पैदा किया है ताकि आखिरत बनाए। आखिरत को बनाना इस दुनिया के जरिए या नेक काम से, सबर के जरिए, मुसीबतों पे सबर, शिकवा शिकायत के बगैर सब्र और तहमुल के जरिए हमें कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। ये तवक्को न हो, इमाम अली ने कहा, क्यों इम्पॉसिबल चीज को तुम दुनिया में तलाश करते हो? राहत नहीं है, यहाँ कमाने की जगह है, जहां मेहनत और मशक्कत की जहां, या रंज और गम उठाने की जगह है। तो कामयाब जिंदगी वो गुजारेगा दुनिया के सब्र इस्तकामत इख्तियार करता है, बड़े बड़े मसाइब में, तकालीफ में, बीमारियों में, परेशानियों में ग्रो होता है, घबराता नहीं है परेशानी से, परेशानी से भागेगा तो दूसरी परेशानी में मुब्तिला होगा, दूसरी परेशानी से भागने जाएगा तो तीसरी उससे बड़ी मुश्किल में फंसेगा। कोई परेशानी से भाग नहीं सकता, ना कोई बीमारी से भाग सकता है। दुआ कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं, मगर फाइनल डिसीजन अल्लाह का होगा, क्योंकि ही इज द बेस्ट प्लानर। इसकी प्लानिंग हिकमत से होती है, इसकी प्लानिंग मसलियत से होती है, वो वही करता है हमारे लिए बेस्ट होता है। तो हम सूरे कबद में चार शख्सियतों को एक एक मिसाल दी थी कि कैसे कैसे सब्र इस्तकामत, जिसमें जो आज के उस सवाल का जवाब है, कितना पॉजिटिविटी है। नबी ईसा की जमाने की वो औरत, वो अल्लाह का शुक्र और हम्द और सना करती जा रही, क्या कहती कि हजरत ईसा को कि खुदा ने आंख ले ली, हो सकता उसे मैं गुनाह कर देती, हाथों पैर नहीं है, हो सकता उसे मेरा गुनाह हो जाए। यानी कितना पॉजिटिविटी, देखो शिकवा शिकायत करने के बाद अल्लाह तूने आंख ले लिया, हाथ पैरों से माजूर कर दिया, उसके बजाय शुक्रान, ये इसको कहा जाता है पॉजिटिव पॉजिटिविटी कि खुदा ने तूने मुझे इस आजा से महरूम किया, शायद मैं गुनाह कर बैठती, तो ये तेरा शुक्र है। और जबान जैसे तूने नेमत दी, जिसके लिए मैं जिक्र तेरा जिक्र करके सुकून हासिल कर, यानी क्या नहीं दिया उसमें भी पॉजिटिविटी फाइंड आउट कर दिया, जो दिया उसमें से भी पॉजिटिविटी फाइंड आउट कर दिया। देखा कितनी जिंदगी पुरसुकून गुजरती है। और हजरत ईसा का जन्नत में परोसी बने, हजरत ईसा के साथ रहेंगी जन्नत में ये औरत। और दूसरी औरत का हमने मिसाल दिया, तो वो नहीं मर्द था हजरत मूसा के जमाने में, वो लेपर जिसको कौर की बीमारी थी, आखिर में अल्लाह ने आंखें भी ले ली और हजरत मूसा दुआ करने के लिए तैयार थे, कहते नहीं। और क्या कहता है कि खुदा ने मुझे क्योंकि खैर दिया, बहुत बड़ी खैर क्या दिया है, कॉग्निजेंस ऑफ अल्लाह, अपनी मारिफत से नवाजा है। इस शहर में मुझे जो मारिफत खुदा है वो किसी को नहीं मिली है, इतनी बड़ी नेमत से ये छोटी छोटी तकलीफ है, ये तकलीफ छोटी है कि क्या ये आंख का न होना, ये लेप्रोसी होना, ये बीमारी होना, मुझे खुदा ने अपनी मारिफत दी है, उसको कहा जाता है पॉजिटिविटी। इतनी मसाइब में से भी बड़ी चीज मुझे अल्लाह ने दे दी, अल्लाह की मारिफत है। तो बस इश्क खुदा में इंसान लबरेज हो जाता है, उनको कोई परेशानी नहीं। लेकिन जबी तो बीबी ज़ैनब कहती है, मां रही तो इल्ला जमीला, इब्ने ज़ियाद के दरबार में कैसी हालत में, रसन मस्ता, भूखी प्यासी, इतने दाग देखने के बावजूद ऐसी हालत में कहते कि अल्लाह के राह में मसाइब जो है वो जमीला है, खूबसूरत है। ये कितना बड़ा जुमला है, ये बहुत बड़ा जुमला है। तो यही ये लेपर भी, ये भी कोर्ट की बीमारी वाले यही कहते हैं कि मुझे खुदा तेरी मारिफत मिली है, मुझे और क्या चाहिए। देख उसको कहा जाता है पॉजिटिविटी, इतनी तकलीफों में भी अहम तरीन पॉइंट को निकाल देना। फिर दूसरी दो औरतों को हमने बात किया, हजरत दाऊद के जमाने में खल्लादा। तो कामयाब जिंदगी के लिए, पॉजिटिव जिंदगी के लिए एक मकसद बनाना पड़ता है। बस ऐसे ही जाएंगे, सुबह हुई, शाम हुई, रात हुई, दूसरा दिन आया और बस जिंदगी गुजारते चले जाएंगे, कोई मकसद नहीं है। शादी खुद इतना बड़ा मकसद स्पिरिचुअलिटी है, जिंदगी इतना बड़ा मकसद स्पिरिचुअलिटी है, रूहानियत है, उसको डेवलप करना है, अल्लाह की रिजा। तो खल्लादा की मकसद यहाँ तक अल्लाह की रिजा चाहे, बस उसकी जहन नशीन कर दिया कि मुझे खुदा की रिजा चाहे, मुझे कुछ नहीं चाहे, खुदा जिन हालत में रखे अल्लाह के हर फैसले में राजी, क्योंकि अलीम उल हकीम है, ऑल नॉलेजेबल है, ऑल वाइज है।
गिला शिकवा किसी का नहीं है। तो देखो पॉजिटिव लाइफ, कितनी पॉजिटिव लाइफ इंसान के गुजरते, क्योंकि एक मकसद बना है राजी ब रजा। इसी तरह वो असमई ने किस्सा बयान करता है प्यारा घर में, वो औरत उनके हदफ बना दिया, जब तक रसूल की एक हदीस सुना कि ईमान की लज्जत दो बातों में, आदि सबर और शुक्र। ईमान की लज्जत अगर किसी को चखना है कि ईमान क्या है, उसकी मिठाश, उसकी शीरीनी, तो आधा ईमान सबर में, आधा ईमान शुक्र। देखो तो उसने जिंदगी का मकसद क्या बनाया, लज्जत ईमान। जब से रसूल की हदीस सुनी, मेरा मकसद हुआ कि मुझे ईमान की लज्जत चाहे। अब मुझे कोई मुसीबत मुसीबत नहीं लगता, चाहे शौहर जितना बुरा क्यों ना हो, मुझे कोई कोई चीज में हमगम नहीं है, क्योंकि ये दोनों औरतों ने एक मकसद बनाया। तो इंसान की जिंदगी पॉजिटिव में जाएंगे। और हमने वो आयत भी आपको सुनाया था सूरह अहज़ाब की 28:29, बज़ाहिर अल्लाह खिताब कर रसूल को, मगर बोलो आपकी अजवाज जो फैसला करे, दुनिया चाहे क्या आखिरत चाहे, मकसद तो बनाए। दुनिया चाहे तो रसूल के साथ गुजारा नहीं होगा, आखिरत चाहे तो अल्लाह मिलेगा, आखिरत मिलेंगे, रसूल मिलेंगे, अहले बैत मिलेंगे, अजर अजीम मिलेगा। दूसरी आयत में बता दिया, वो हम कर चुके। एक समरी आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ, क्योंकि उसने सवाल पूछा है कि पॉजिटिव जिंदगी कैसे गुजारा जाए। तो हमेशा जो चीज नहीं है उनमें से फायदा निकालना कि अल्लाह ने ये नहीं दी है तो उसमें क्या क्या फायदा, जो दिया है उससे मैं क्या, उसकी मेरी सलाहियत इस्तेमाल कर उसको आगे कैसे ले जाऊं। अल्लाह की दी हुई सलाहियतें, अल्लाह की दी हुई नेमतें, आजा व जवारे, अक्ल, फितरत, हिदायत, रसूल, अहले बैत वगैरह वगैरह, उनको सबको इस्तेमाल करके मेरी जिंदगी को मैं कामयाब कैसे बनाऊं। तो पता चला कि ये लास्ट टाइम की बात है, इसका सवाल पॉजिटिविटी, तो किससे से हमें नुक्ता निकालना पड़ता। और जहां पॉजिटिविटी होगी वहां कंटेंटमेंट होगा, कनात। जितना इंसान के पास कनात कनात की सिफत होगी, कंटेंटमेंट, इतना ही पॉजिटिव जिंदगी गुजरेगी। ये दोनों लाजिम मलजूम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो कंटेंटमेंट की जिंदगी में इंसान जाता है तो मुसीबतें भी छोटी नजर आती, और मकसद भी हाई ऊंचा होता है, बड़ा होता है। तो जहां जिंदगी में पॉजिटिविटी पॉजिटिव होती। अब हम है रसूल की बात पर, कि रसूल ने क्या बातें बताई है पॉजिटिव जिंदगी के लिए। रसूल ने बताया, अगर किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई, अजियत पहुंचाई, 70 एक्सक्यूजेस को तलाश करो, 70 रीजंस को फाइंड आउट करो कि उसने क्यों ऐसा किया होगा। 70 एक्सक्यूजेस फाइंड आउट करो। हो सकता है किसी ने उसका दिमाग खराब किया, मेरे पे उतारा है। हो सकता है उनको तरबियत नहीं मिली, हो सकता है उनको बहुत बुरी तरबियत मिली, हो सकता है बहुत गलत दोस्ती में आ गया, हो सकता है कि उसको गलत यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, हो सकता है कि वो गोलियां खाते हैं उनका साइड इफेक्ट है, हो सकता है कि किसी ने बहुत उनको परेशान किया, ईसा का गुस्सा मुझसे पे कर रहा है। यानी अभी तो 6-7 पाप पहुंचेंगे, अब उसको माफ भी कर दें। रसूल ने कहा 70 एक्सक्यूजेस करो। ये पॉजिटिव जिंदगी का एक बड़ा 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 लेसन रसूल ने दिया है। 70 एक्सक्यूजेस फाइंड करो। अगर मेरा शौहर का रवैया गलत है, अब मैं उनकी कैसे तरबियत, बस मेरे हाथ में गलत आएगा, हमने तहकीक तो की थी, हमें बहुत अच्छा न्यूज मिला था, मगर उल्टा निकल आया, वो तो बिल्कुल यानी शकी निकल आया। तो अब हमें शकी को तरबियत कैसे करेंगे, हमारी जन्नत हमारी भी बनाएंगे, हमारी घर वालों की भी बनाएंगे। ये तो मकसद है कि डेवलप योर सेल्फ एंड डेवलप अदर्स इन टर्न। शहीद मुर्तजा मुताहिर से पूछा गया, आप इल्म का डेफिनेशन दो, कि हर इल्म के वजह से जो पॉजिटिव इल्म हमने हासिल किया, खुद को डेवलप करो एंड इन टर्न दूसरे को डेवलप करो। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे शौहर को हम डेवलप करें। अगर हमने अल्लाह ने अच्छी तरबियत नसीब हुई, हमारे वालिदैन ने हमें अच्छी तरबियत दी, हम उस नेमत को हम हमारे शौहर के लिए इस्तेमाल करें, उनकी तरबियत करें, क्या सारी सलाहियतें यूज करें, अमाल करे, खाने पीने में दम करे। हदीस की साधुआई तो बस वगैरह वगैरह बार बार मैं कहती हूँ, खाने पीने में दम करके कि खुदाया उनकी इस्लाह के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, इन जिक्र से
इन हदीसे के साथ से, इन तवसुल से खुदा उनकी तरबियत हो जाए, वो अच्छा इंसान बन जाए, वो अच्छा शौहर बन जाए, अच्छा शरीक हयात बन जाए। तो इंसान एक्सक्यूजेस करता है, फाइंड आउट करता है कि ये क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है, क्यों ऐसे जानवर की तरह एक्टिंग करता है। चलो मैं उनकी तरबियत करूं, मेरी दुनिया भी बनाऊ, मेरी आखिरत बनाओ, मुझे शहजादी के साथ रहना है आखिरत में, जब परमानेंट एबोड है, हमेशा की जिंदगी है, ये तो टेम्पररी एबोड है, जिंदगी गुजर जाएगी मगर तरबियत तो करनी पड़ेगी। तो पॉजिटिव थिंक करके, कनात की जिंदगी अख्तियार करके नए सिरे से तरबियत कर सकती, चाहे 25 साल का 30 साल का शौहर क्यों नहीं। इतनी आदत खराब हो गई तो जरा टाइम लगेगा, सब्र इस्तकामत होना चाहिए। तो ईमान का लज्जत मिलेगा, आधा ईमान सब्र में, आधा ईमान शुक्र में है। खुदा मैंने तुझे और नेमतें दी, भले मुझे शौहर नहीं दिया मगर मुझे अच्छे बच्चे दे दिया, मुझे अच्छे वालिदैन दिया, मुझे अच्छी तरबियत मिली, मुझे इल्म दिया, मुझे फलानी मदरसा में दाखिला मिल गया, मुझे दोस्तों इतने अच्छे मिल गए। अरे एक बुरा शौहर मिला, सामने कितनी नेमतें मिली। इसको कहा जाता है पॉजिटिव लाइफ, पॉजिटिविटी इंसान थिंक करता है। तो हजरत अय्यूब को अल्लाह ने सारी नेमतों ले लिया सारी, और खाली इतना ने ऐसी बीमारी दी कि कॉन्टेजियस थी, शहर से बाहर फेंका गया, शहर से बाहर फेंका गया कि ये बीमारी दूसरे को मिलेंगी, अब शहर में नहीं रह सकता। तो किसी ने उनको सवाल किया कि आप अल्लाह से इतना तो पूछ सकते, कितनी बड़ी इम्तिहान में आपको क्यों मुब्तिला किया है, वजह क्या है, क्या जलाल में आ गए। अल्लाह ने 70 साल से इतनी नेमतें दी, मैंने नहीं पूछा परवरदिगार किसके एवज में तू मुझे इतनी नेमतें दे रहा, मैं नेमत लेता चला गया, पूछे बगैर कि तू मुझे क्यों दे रहा है। और आज जब अल्लाह ने तकलीफ पे तकलीफ दी तो मैं पूछू कि तूने मुझे क्यों दिया है, ये कोई इंसाफ है, हरगिज नहीं। सब्र अय्यूब मशहूर हो गए, अल्लाह ने वापस सारी नेमतों को पलटा दिया सबर के इस्तकामत के वजह से। तो अल्लाह नेमतों पे नेमत देता है सबर के वजह से। तो इंसान मासूमीन की जिंदगी, इंसान अंबियाओं की जिंदगी, इंसान उलमाओं की जिंदगी से फाइंड आउट कर सकता है कि उन लोगों ने इतना सबर और शुक्र की मंजिल पे कैसे गुजारे। ये पॉजिटिव इन लाइफ, अल्लाह की मारेफत, दीन की मारेफत और पॉजिटिविटी इन लाइफ हमेशा ये देखता है। रसूल ने दूसरी हदीस बताई, तुमने देखना है कि कौन इंसान पॉजिटिव है, तुमने देखना है कौन खुशकिस्मत इंसान है। वो खुशकिस्मत इंसान है कि दोनों जिंदगी कामयाबी में गुजरेंगी, जिसने दुनिया की बाबतों में अपने से नीचे को देखा और आखिरत की बाबत में अपने से बुलंद को देखा। अब हम मिसाल देंगे, रसूल ने तो कह दिया दुनिया की बातों में अपने से नीचे को देखेगा, आखिरत की बातों में अपने से बुलंद को देखेगा। अभी दुनिया की कैसे, पहले मिसाल हम ले, फर्ज करके हमारे पास 2 कमरे का घर है तो हम सोचेंगे उनके बिचारी के पास तो 1 कमरा है और बच्चे भी हमसे ज्यादा है। हमें तो अल्लाह ने हमें तो अल्लाह ने फैन तो दिया, उनके पास तो फैन भी नहीं है। देखो हम क्या कहते, उसके पास एसी है, हमारे नहीं, हम किस फलान के पास तो फैन भी नहीं है, हमारे पास कम से कम फैन तो है, या हमारे घर में 2 फैन है, उनके घर में 1 फैन है। तो माली एतबार से अपने से नीचे को देखो, उनके पास कम नेमत है मुझसे और मुझे सबर आना चाहिए, वो कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। तो ऐसे लोगों को देखे जो हमसे कम नेमत मिली, और दूसरा कि जिनको हमसे ज्यादा परेशानी दुनिया में, मुझे अल्लाह ने 2 बीमारी दी, उनको बेचारे को 4 बीमारियां, मुझे अल्लाह ने कम से कम डेली ब्रेड तो मिलता है, उनको तो डेली ब्रेड का भी मसला है, डेली खाने के लिए भी उनके लिए मसला, मुझे कम से कम डेली रोटी तो मिलती है। यानी उसको तो ऐसा जालिम शौहर दिया है, मेरा शौहर जालिम है मगर उनके जैसा जालिम नहीं है, मेरा कुछ बेहतर है, उनका तो कितना जालिम है, उनको तो मारता है, कम से कम मेरा शौहर मुझे मारता तो नहीं, गालियां देता है, मारता तो नहीं है, फिर भी वो सबर कर रही है तो मैं क्यों सबर ना करूं। देखा ना, जब भी तो 5वें इमाम को बहुत शदीद बुखार आया, बहुत शदीद नाकाबिले बर्दाश्त बुखार थी, बहुत हालत खराब थी। गुलाम को कहा मेरे पर पानी डाल
और कहते गए या फातिमा जहरा या फातिमा जहरा या फातिमा जहरा, तीन मरतबा ये कहा जब तक पानी उस पर डाला गया। किसी ने सवाल पूछा, इस वक्त अपने आप की जद्दा को कैसे याद किया? कहा तुम्हें नहीं पता कब तुम्हें मुसीबत आए ना, तो उसको याद करो कि जिसको तुमसे ज्यादा मुसीबत का मुकाबला क्या है। मेरी जद्दा माजेदा से ज्यादा किसने मसायब ज्यादा उठाया? तो मैं उनके मसायब को याद करके मुझे मेरी बीमारी छोटी नजर आ गई। ये शिद्दत का बुखार, मुझे लगा ये तो कुछ नहीं है जो मेरी जद्दा माजेदा ने इतने मसायब से गुजरी हुई। देखा या पांचवें माम हमें सबक दे रहा, अपने से ज्यादा मुसीबत में गिरफ्तार उनको याद करो, अपनी परेशानी छोटी नजर आएगी। ये है पॉजिटिविटी, ये रसूल बता, ये कामयाब शख्स है। और आखिरत में उनको देखो कि 51 रकात नमाज कौन पढ़ रहा है, मैं तो 17 पढ़ रही हूँ, चलो थोड़ी तो इजाफा करूं, थोड़ा तो उसके करीब पहुंचने जाऊं। मैं तो 34 रकात पढ़ती हूँ, फलान तो 51 रकात पढ़ता, वो तो रजब शाबान के रोजा रख रहा है, मैं तो कम से कम हफ्ते में 2 रोजा तो रख लू। देखा उसने इतना इंफाक करती है, वो इतना सदका देती है, तो मैं कुछ तो दू। तो इसी तरह आखिरत के बारे में अपने से बुलंद को देखता है, दुनिया के बाबत अपने से नीचे को देखता है, कौन ज्यादा तकलीफ में, किसके पास मेरे से कम नेमतें हैं। रसूल फरमाते ये लोग कामयाब जिंदगी, कनाअत है, ये पॉजिटिविटी में जिंदगी गुजार, ये कंटेंटमेंट इख्तियार करते हैं। तो ये तो पता चला कि रसूल बताए। और फिर रसूल का बदबख्त है, वो शख्स बदबख्त है, किसको देखता है? अब दुनिया के बाबतों में अपने से ऊपर वाले को देखता है और आखिरत में अपने से नीचे वाले। चलो वो मैं तो कम से कम 17 पढ़ती हूँ, वो तो वाजिबात भी नहीं करती है, तो मैं उसे तो कुछ, मैं तो 17 तो पढ़ती हूँ, वो तो सुबह की नमाज कजा कर रहे, तो मैं तो कम से कम कजा नहीं। आखिरत में अपने से नीचे को देखता है और दुनिया में अपने से ऊपर को देखता है। देखो तो उनका शौहर कितना कितना चाहता है, हर बर्थ एनिवर्सरी में गिफ्ट देता है, बर्थडे में। मेरा शौहर तो बर्थडे गिफ्ट नहीं देता है, उनको तो पता ही नहीं होता है कि मेरा बर्थडे गुजर गया। तवक्कुआत, देखो अपने तवक्कुआत रखते अल्लाह को छोड़ के बंदे पे, तवक्कुआत एक्सपेक्टेशंस हमारी जिंदगी को तबाह कर देती। इतने हम छोटे जहन के, हमें बड़े होना है, बड़ा बड़े हो, हम बड़े हो, बहुत छोटे बन रहे, हम बच्चे जैसे हैं। उसने मुझे तो बर्थडे में याद भी नहीं किया, एनिवर्सरी गुजर कर उनको तो पता ही नहीं चला। देखो तो फला मेरी बहन का, मेरे बहनों ही को तो देखो क्या क्या करता है, मेरी बहन के, मेरी दोस्त को तो देखो, उनका शौहर उनको वर्ल्ड टूर ले जाता है, ज्यारत ले जाता है, हर महीने उनको पॉकेट मनी देता है, मेरे शौहर को तो कोई शोर ही नहीं। देखा रसूल फरमाते बदबख्त है, दुनिया की बातों में अपने से ऊपर वाले को देखते बदबख्त है, नाकामयाब है दुनिया में और आखिरत में, दोनों में नाकामयाब है शख्स। ये फेसबुक एक बहुत बड़ी बला है फेसबुक, इसमें लोग अपनी अपनी ऐसे ऐसे फोटो डालते, एग्जेजरेट करके डालते हैं, हनीमून में जा रहे, बर्थडे पार्टी कर रहे, एनिवर्सरी मना रहे, और लोग देखते हैं और फिर हसद भी आता है, गलत निगाह से भी देखते हैं और डिप्रेशन के मरीज भी हो जाते हैं, अपनी जिंदगी को तबाह करता। आंखों से देखी बात उल्टी सीधी बातें, लोगों को आदत होती है एग्जेजरेट करना, वो भी बीमार है, जो लोग डालते हैं वो मरीज है, ऐसा से कमतरी का शिकार है, अंदर से सुकून नहीं है तो दिखाना चाहते हैं, अंदर से सुकून नहीं तो दिखाना चाहते कि थोड़ा हमें सुकून मिल जाए, हम दिखाए हमारी जिंदगी कैसी अच्छी, हकीकत में कुछ नहीं होता है। मगर हम पागल देख के सब बात को सच्ची मान के हमारे घर को कयामत बना देते, हमारे घर को जहन्नम बना देते, क्योंकि हमने अपने से ऊपर को देखा फेसबुक में, जबकि वो सही बात होती भी नहीं, दिखावे की बात होती, अंदर से वो लोग बेचैन है, डिप्रेशन में है, ऐसा से कमतरी के शिकार है, जिसको हमने मॉडल बना दिया फेसबुक में। ये फेसबुक को खत्म कर दो, निस्त और नाबूद कर दो फेसबुक, हाँ पॉजिटिव में यूज करो फेसबुक में, पॉजिटिव दीन की तबलीग करो उसके जरिए, अच्छे अमाल भेजो वहां, अच्छी दुआएं भेजो लोगों के लिए फेसबुक, इसका फायदा उठाए, इस्तेमाल करें जो हक बनता है फायदा उठाने का। मगर हमारी जिंदगी को हम तबाह कर देते कॉपी करके, बस देख देख देखा देखी करके हसद की जिंदगी में चले जाते, बद निगाह से लोगों को देखते हैं और हमारी घर को जहन्नम बनाते। हमारे बच्चे कितने कम नसीब है, ऐसी माए हो, ऐसे वालिदैन हो,
तो बच्चे बिचारे का क्या कसूर, हमें माँ बाप बनने का शौक था, अब ऐसी हरकतें करके हमारी औलाद को हम क्या देंगे, इमाम जमानों को क्या जवाब देंगे। इमाम खुमैनी का जुमला बार बार आपको याद दिलाऊं कि सबसे ज्यादा नुकसान उन वालिदैन ने दिया इस्लाम को जो बच्चों की गलत तरबियत की, बच्चों की तरबियत नहीं की जो बच्चों का हक था, सबसे ज्यादा नुकसान उन वालिदैन ने अता किया। मियां बीबी लड़ते हैं और बच्चे दरमियान में इधर उधर होते हैं, आप सोचिए। तो पॉजिटिविटी इन लाइफ, कंटेंटमेंट इन द लाइफ लाना पड़ता है। रसूल ने कहा 70 एक्सक्यूजेस करो, इससे कबल के किसी की गिबत करो कि उनकी शिकायत करो कि उनके ब्लेम करो। भी कहा कि अपने से नीचे को देखो दुनिया की बातों में और आखिरत के बारे में अपने से ऊपर को देखो, और खबरदार तुम बदबख्त है वो शख्स कि दुनिया की बातों में अपने से ऊपर को देखता है और आखिरत के बारे में अपने से नीचे को देखता। खुशकिस्मत और बदकिस्मत रसूल ने ये जुमला हदीस में जुमला इसका तर्जुमा है, आप सोचिए। तो पॉजिटिविटी का सोचना चाहिए कि पॉजिटिव जिंदगी हमारे अख्तियार में है। एक बहुत बड़ा आलिम का किस्सा आपको सुनाऊं, आप सुने होंगे, मौलाना सैयद मुर्तजा जैदी ने बताया ये किस्सा, आपने भी सुना होगा। उन्होंने बहुत एक अच्छा किस्सा एक आलिम का बताया, बहुत जबरदस्त आलिम दीन, मुत्तकी परहेजगार, और उनकी स्टूडेंट्स को शागिर्दों को दर्स देने का अंदाज इतना कमाल था, करामत वाला था, गोया उनको लोग करामत वाला बोलते। इतनी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी थी कि सब शागिर्दों उनसे फिदा हो गए थे, फिदा हो गए कि ऐसा अंदाज सिखाने का, ऐसा अंदाज उनकी सलाहियत थी कि करामत की मंजिल में पहुंच चुके थे। बार बार कभी स्टूडेंट्स पूछते थे आपने ये आपका क्या राज है, आपने कैसे हासिल, उनके अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, कभी जवाब नहीं देते कि तो अल्लाह की देन, अल्लाह अल्लाह जो देता है बस उसको सही इस्तेमाल करनी पड़ती है, ये नेमत है अल्लाह की सही इस्तेमाल करनी। एक दिन क्या हुआ, एक रात के वक्त स्टूडेंट्स को एक बहुत अर्जेंट मसला पेश आया, मगरिब इशा की नमाज के बाद उनको अर्जेंट मसला पेश आया, तो आली अपने उस्ताद आलिम के घर पे गए, दरवाजा खटखटाया, औरत ने दरवाजा खोली, पता चला ये उसकी बीवी है, और उसकी बीवी ने गालियां देना, इतना गालियां दी सब शागिर्दों को, ये कोई टाइम है आने का इस वक्त, ये कोई डिस्टर्ब करने का, इतना बुरा भला का, सब तो घबरा गए, सब इतने घबरा गए। फिका मगे हमें उस्ताद से जरा मिलना है, हमारे उस्ताद से जरा जरूरी सवाल पूछना। उसने अब तो शौहर का बुरा भला कहना कह, इतना खिलाफ बोल दिया शौहर के बाद, इतना इतने सारे स्टूडेंट्स सब गवाह, अब शौहर को गालियां देना शुरू कर, इतना ज्यादा बुरा भला कर, सब चले गए। दूसरे दिन उस्ताद आया पढ़ाने के लिए, उसने पूछा उस्ताद से पूछा कि वो आप कैसे आप समझ में नहीं, आप हमारी ऐसे तरबियत करते हो, हमारी जिंदगी हमने बदल दी है आपकी तरबियत की वजह से, आप हमारे ऐसे उस्ताद, आपके पास करामत है, अब आप बाहर इतना काम करते, घर में भी आपको सुकून नहीं है, आपकी जौजा हमसे इस तरह करती है, तो आपको बाहर वाले लोग से साथ इतना बुरा रवैया किए तो आपकी क्या हालत करती होगी। वो जवाब देने के लिए तैयार, पूछ अब बताओ आपने कौन सा सवाल के लिए रात को आए, जल्दी बताओ मुझे कौन सा सवाल। उस दर गुजर करता था, वो लोग जिद में थे, नहीं हमें बताए आप बताए आप कैसे ऐसी जिंदगी गुजारते हो, ऐसी औरत के साथ बाहर इतना आपको इल्म देना पड़ता है, मदरसा चला रहे हो और घर में जहन्नम है। बार आपको मैं कहा ने वो सवाल पूछो, आपको जो सवाल पूछना था जल्दी से पूछो, टालता गया। मगर स्टूडेंट ने आकर मैं कहा देखो हमारे उस्ताद हमें सीखना है कुछ, आपने ये सलाहियत ये खूबी इतना सबर, हंसता चेहरे से जिंदगी गुजारना, कितने खुश अखलाक सहरे से पेश आना जबकि घर में कयामत है, हमें सीखेंगे आपसे, हमें बताएं हमारे सब मकसद, हमें कुछ सीखना है आपसे। उसने कहा बस आप हमेशा मुझे पूछते थे ना आपका सीक्रेट राज क्या है, ये राज क्या है, ये सलाहियत की मिली। जब इंसान दुनिया में सब्र इस्तकामत अख्तियार करता है मसाइब पे तकलीफों पे, अल्लाह बड़ा तोहफा देता है, बड़े से बड़े तहाइफ अल्लाह देता है। मैं मेरी बीबी पे सब्र इस्तकामत की वजह से अल्लाह ने मुझे ये करामतें दी है, ये इल्म दिया है, ये सिखाने का अच्छा अंदाज दिया है, ये तोहफा ऐसे ही नहीं मिलते हैं।
और फिर मेरे बीवी का एहसान है, मैं उनका बुरा भला कभी एक्सेप्ट नहीं करूँ, कोई बोलेगा तब भी मैं कबूल नहीं करूंगा, क्यों? उसका एहसान है, उसके वजह से मुझे ये मिली, मैंने उसके वजह से सब्र इस्तकामत किया, उनके बुरे अखलाक पे मैंने सब्र इस्तकामत अख्तियार किया, इसीलिए अल्लाह ने मुझे दिया है। तो वो मेरी मेरे लिए बाईस नेमत है, वो मेरे लिए यानी वो उनके वजह से मिला, वो मेरे एहसान है उनका, वो मेरे भाई से एहसान है, तो मैं उनका अच्छा ही चाहता हूँ और मैं उनको माफ कर देता हूँ, क्योंकि अगर ये मैं सब्र इस्तकामत न करता तो मुझे इतना इल्म थोड़ा मिलता है, करामत मिलती है, इसका उस्ताद ऐसे सिखाने का अंदाज ये न मिलता मुझे, तो मुझे अल्लाह ने इतना बड़ा तोहफा दिया, तो ये मुसीबत छोटी नजर आती। ये बीबी का गालियां देना, बदतमीजी करना, गलत जबान इस्तेमाल करना मेरे लिए छोटी मुसीबत है, जिस नेमत अल्लाह ने मुझे दी है उसके मुकाबले। देखा, ये है उलमा, ये है उलमा, अंबिया अइमा का जो फॉलो करते हैं, कंटेंटमेंट की जिंदगी, कनात की जिंदगी और पॉजिटिव जिंदगी कैसे गुजारते, उसमें कितना नुक्ते कैसे नुक्ता निकाल दिया, उस मुसीबत छोटी नजर आई जैसी अल्लाह बड़ी चीज अल्लाह ने दे दी, सदका जारिया वाली चीज मुझे अल्लाह ने दे दिया। ये तो दुनिया गुजरने वाली है, कल कौन है कौन नहीं है, तो ये मुसीबत तो गुजर जाएगी, मगर इल्म ये सब चीजें करामत है, ये तो सदका जारिया है, हमेशा रहने वाली। अल्लाहु अकबर, आप सोचे हमारे में इन उलमा की झलक पैदा हो जाए हम कहाँ जा सकते, शिकवा शिकायत, हमारी शिकवा शिकायत, इसीलिए आगे नहीं बढ़ते। छठे इमाम का कौल तो मशहूर है कि मोमिन वही है जिनका आज का दिन गुज़िश्ता दिन से बेहतर हो, कल चार नेकी की तो आज पांच नेकी करे, कल दो गुना से बचा तो आज बिल्कुल गुना से बच जाए। तो यानी इस इंसान तो ही मोमिन है, दो दिन मुसावी गया, दो दिन बराबर, कल दो नेकी आज दो नेकी, तो मौला फरमाते वो बेवकूफ है, वो नादान है, अल्लाह से तिजारत नहीं करता, तरक्की नहीं है, बराबर बराबर जा रहा है, मोमिन तो तरक्की करता, और अगर पीछे गया बैकवर्ड जा रहा है, आज का दिन कल से बदतर है, तो वो मलून है, उस पर लानत है, मलून है। तो हम, मुझे तो ऐसा लगता है हम पीछे जा रहे हैं, फेसबुक या ट्विटर इंस्टाग्राम उसके पीछे हम तो पागल होके पीछे जा रहे, उनका सही इस्तेमाल के करते जो लोग करते तो करते हैं माशाल्लाह, मगर लेस परसेंटेज है जो इसका पूरा फायदा उठाता, ज्यादा परसेंटेज लोग उनसे जरिए गुमराही अख्तियार किए। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये दज्जाल बन गया है मेजोरिटी के लिए, माइनॉरिटी के लिए मलक मलक बन गया है, फायदा उठाने वाले अक्ल सारे दारोमदार अक्ल पे। तो पता चला कि हमें ये देखना चाहिए, मिसाल भी छोटी छोटी मिसाल, हम ट्रैफिक में जाम हो गए, फौरन शिकवा शिकायत, देखो तो गर्मी है, एसी काम नहीं करती है, गाड़ी स्टॉप करनी पड़ी है, फौरन, अरे अब मैं इस्तगफार करी कि कोई गुनाह है माफी का सबब मिला, कोई गुनाह हो गया है किसे माफी का सबब। छठे इमाम ने कहा ना यूनुस इब्ने अय्यूब को कि 40 दिन में कोई एक मुसीबत नहीं आती है, तो ये मलून है, इसका जिस्म मलून जिस्म है कि जिस्म में कोई तकलीफ नहीं आई, 40 दिन गुजर गया कोई तकलीफ नहीं, ना ठोकर लगी, ना कोई चीज टूट गई, ना जूते के चश्मा टूटा, कि ना कोई जरा सी छोटी तकलीफ आनी चाहिए, छोटी 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 परेशानी 40 दिन में एक मरतबा आनी चाहिए ताकि गुनाह का कफारा हो जाए, ताकि इंसान पॉजिटिव जिंदगी में जाए, इंसान कनाअत अख्तियार करे, तौबा इस्तगफार करे। फौरन हम बैठ के सोचे गर्मी है मगर इस पसीने से मेरी गुनाह की माफी हो रही है, गुनाह धुलवाया जा रहा है, चलो मैं इस्तगफार करूं, मैं दुरूद पढ़ूं, दुरूद के जरिए मेरे गुनाह के बख्शीश का सामान हो जाए। मेरी दोस्त मुझे लेने आने वाली थी मजलिस के लिए, मुझे लिफ्ट देने वाली थी, मुझे सर्विस देने वाली थी, उनकी गाड़ी आई नहीं, मजलिस मैंने मिस किया, पता चलो भूल गई मुझे, बाद में उसने सॉरी किया, हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए, उसमें मेरे लिए बेहतरी थी, मेरे गुनाह का बख्शिश का सामान हुआ, मजलिस मिस किया, जाओ मैं यूट्यूब में एक और मजलिस सुन लूंगी। वो बिचारी भूल गई, इंसान है, इंसान भूल नहीं करेगा तो कौन करेगा, हम लोग नहीं भूलते, हम भूल नहीं करते, हम कुछ नहीं भूलते, बस वो भूल गई तो उसका कसूर हमने नजर आया।
हमने अपने नफ्स को भूल चुके हैं। ये एक बड़ा नुकसान है शादी में। शौहर का ऐब बहुत नजर आता है, शौहर की गलतियां हमें सामने, हमें हमारे में कौन से ऐब है वो नजर नहीं आता। अपने को मजलूम बना के बैठ गए, अपने को मजलूम बना लेती औरत बहुत हालांकि कोई औरत मजलूम नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ कोई औरत मजलूम नहीं है, एक्टिंग करती है कि मजलूम है। तो अपने कसूर को तो देखते भी नहीं, कौन परफेक्ट है दुनिया में? दुनिया में कोई कामिल नहीं, मासूम 14 अंबिया मासूम, बीबी मरियम मासूम, मासूमा, बाकी मासूमा कोई नहीं है। हमें हमें गुनेगार है सब, हमारे में कमी है, ऐबों से हम भरे हैं। हमें शौहर का ऐब नजर आता, हमारा खुद का ऐब क्यों नजर नहीं आता? जबकि तीन मासूम का कौल है, पांचवें माँ, छठे माँ, आठवें माँ, तीन मासूम कहते अक्लमंद कौन है? अक्लमंद देखना हो तो अपना छोटा ऐब उनको बड़ा नजर आता है, दूसरे के बड़ा ऐब उनको छोटा नजर आता है। अल्लाह अकबर, काश हमारे में हम अक्लमंद कहलाएंगे, सिफत आ जाए हमारे। दूसरे के बड़े ऐब उनको छोटा नजर आता है, खुद का छोटा ऐब उनको बड़ा, ताकि अपनी सलाह में लगे रहता है। तू बालिमन शुक्रिल्ला अयूबन नास, मौला अली कहते खुश किस्मत है वो शख्स अपने ऐब तलाश करने में इतना मशगूल होता है कि दूसरे का ऐब नजर नहीं आता। अगर हम शौहर के ऐबों को छोड़ के, सास के ऐब को छोड़ के, हम अपने को ऐब को तलाश करके उनकी तरबियत में मशगूल हो जाए, हमारी दुनिया बनेंगे, आखिरत बनेंगे, हमारी कब्र बनेंगी, कामयाब जिंदगी, दोनों जहान की कामयाब जिंदगी इसमें है। इसमें हमारे ऐबों की हम तरबियत करें, ऐबों की तलाश करें, उन पे गहरी निगाह रखे, सख्त निगाह रखे, दूसरे को सरसरी देखे, हमारी ऐबों पे सख्त निगाह। जब ही वो दादी ने, पोती जब शादी हो रही थी, एक ही नसीहत की दादी ने, दादी ने कहा बेटा तुझे पता है तेरी शादी हो रही ना, तुझे पता है अल्लाह ने आंख, दो आंखें क्यों दी है? नहीं दादी, अम्मा आप बताइए। एक आंख इसके लिए दी थी कि तेरे ससुराल की खूबियां का देखना, उनकी कमालात को देखना, और दूसरी आंख से तेरे खुद के ऐबों को देखना, नकाइस को देखना, कमी पेश, कमी देखना तेरे में, उनकी खूबियों को देखना, तेरी कमियों को देखना, बैलेंस हो जाएगा, तू खुश रहेगी, तेरी कामयाब जिंदगी गुजरेगी दुनिया की और आखिरत की। ये है पॉजिटिविटी। औरत ने सवाल पूछा कि पॉजिटिव कैसे हासिल किया जाए, तो बस मैंने मुख्तसर सी बात की ताकि थोड़ी निगाह में हो जाए कि हमें कैसे करना है। तो कंटेंटमेंट, कनात पसंद कर दो, थोड़ा माल को बहुत ज्यादा समझे, बड़ी मुसीबत को छोटी समझे। पॉजिटिविटी आएगा कनात, कंटेंटमेंट और पॉजिटिविटी को दोनों को मिलाए, कामयाब यहाँ की जिंदगी, आखिरत की जिंदगी, कामयाबी कामयाबी। इसीलिए हम जरूरी है कि हम अजीम औरतों और मर्दों की जिंदगी की मुतालिया करें। चलो मासूमिन बहुत हाई है, मासूमिन बहुत हाई, तो आम जिंदगी औरतों की जिनका बड़ा बड़ा मकाम है, जैसे किताबे मिसाली खातून 137 औरत का किस्सा है, 137 औरत, इदी हाजरा का तो देख लो, एक कनीज थी, कहां पहुंचाई अपने आप को, तो फतन दिया गया था हजरत इब्राहिम सारा को। तो इसी तरह हम उनकी हयात जिंदगी पे गौर व फिक्र करें, अपनी जिंदगी को बदले, पॉजिटिव और कंटेंटमेंट में आ जाए, तो शिकवा शिकायत खत्म हो जाएगा, बस आखिरत बनेगी, परमानेंट की जिंदगी अच्छी बनेगी। हम बीबी फातिमा के साथ, बीबी जैनब के साथ, बीबी सकीना के साथ, उन हस्तियों के करीब रहना है तो इस जिंदगी में बहुत ज्यादा जद्दोजहद करना है। मसाइब मुसीबतों से नहीं घबराना, मुसीबतों से भागना नहीं, मुसीबतों का मुकाबला करना है। माल रही तो इल्ला जमीला, बस शहजादी ज़ैनब का जुमला को हमें रटा देना है, इंशाल्लाह खैर। अब हम जाते हैं पहले जमात नमाज के मसाइल में, पहले जाएंगे जमात नमाज के मसाइल में। हमारी ये बात हो चुकी कि ये वाली सेकंड रकात है पेश इमाम की और हमारी फर्स्ट रकात है। सरसरी याद दिलाती हूँ, पेश इमाम की सेकंड रकात है, हमारी फर्स्ट रकात हम ज्वाइन हुए हैं, किया में ज्वाइन हुए, नियत किया तकबीरत एहराम पढ़ा, नियत किया तकबीर के खड़े रह गए, वो सूरा पढ़ा है, हमें सूरा नहीं पढ़ने का, रुकू में उनके साथ गए, पूरी नमाज उनके साथ हो,
अब ये हमारी पहली है, उनकी दूसरी है, तो वो कुनूत पड़ेगा, सॉरी वो कुनूत पड़ेगा, सूरा नहीं वो उसके सूरे के बाद, तो हम कुनूत पढ़ेंगे, हमें सवाब मिलेगा कुनूत पढ़ने का, हम कुनूत पढ़ेंगे उनके साथ रुकू में, उनके साथ समियाला दो सद्दा करेंगे, वो तशहुद के लिए बैठेगा क्योंकि उनकी दूसरी रकात है, हम तजाफी करेंगे उखरू बैठेंगे क्योंकि हमारा तशहुद नहीं है, मगर तशहुद का जिक्र करने का सवाब हासिल करेंगे, तशहुद का जिक्र पढ़ेंगे, कुनूत पढ़ेंगे, हमें उसका सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। फिर हम उसने तशहुद पर हम उखरू बैठे, उनके साथ बिहौली लाई कर दिया, अब उनकी तीसरी रकात है, हमारी दूसरी रकात, तो वो तो तस्बीहात अरबा पढ़ेंगे, हम सूरा पढ़ेंगे, तो जल्दी से सूरे फातिहा पढ़े, और इतना तैना को कसर पढ़ सके तो वेरी गुड, नहीं पढ़ सके उसको रुकू में कैच करना है, रुकू में उनको कैच करना पड़ेगा, कुनूत का तो सवाल ही नहीं, सूरे फातिहा तो पढ़ना है, दूसरा पढ़ सके तो भले, नहीं उसको रुकू में कैच करना है, चाहे भले उनका जिक्र खत्म हो रहा है, रुकू में उनको पकड़ लो, तो फिर हमारी नमाज जमा सही जा रही है, हमने रुकू में उनके साथ हो गए, कुनूत को तर्क कर दिया, शायद दूसरा सूरा पढ़ सके नहीं पढ़ सके, फिर हम समी अल्लाह, फिर दो सिद्धा वो करके भी हौली लाई करेगा, हम तशहुद के लिए बैठ जाएंगे, हमारा असल तशहुद है, नॉर्मल बैठेंगे जैसे हम तशहुद में बैठे, तशहुद के लिए बैठ जाएंगे, वो भी हौली लाई करेगा, तीन तस्बीहात अरबा पढ़ेगा, हम जल्दी उनको पकड़ेंगे, एक तस्बीहात अरबा पढ़ लेंगे क्योंकि हमारी तीसरी है उनकी चौथी है, मगर वो तीन तस्बीहात अरबा पढ़ेगा, हम एक पढ़ के उनके साथ ज्वाइन होके वो आखिरी में बैठ जाएगा, तशहुद सलाम पढ़ेगा, हम उखरू बैठेंगे, तजाफी करेंगे, तशहुद सिर्फ पढ़ के इंतजार करेंगे और सलाम पढ़ ले तो हम बिहौली लाए करके हमारी आखिरी रकात फुरादा पढ़ लेंगे, चौथी रकात हम फुरादा पढ़ लेंगे, ये लास्ट टाइम का एक रिपीट किया के ताकि जहन नशीन हो जाए मसला। अब आज के लिए मसला कौन सा बताऊंगी मैं, अब पेश इमाम की तीसरी और मस्जिद में दाखिल हुए, वो तो तस्बीहात अरबा पढ़ेगा, तो हमें सूरा पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए अगर आपको पहले से हमें पता है कि हम सूरा नहीं पढ़ सके, सूरे फातिहा भी अभी वो तीसरी रकात में अभी रुकू में चला जाएगा तो हम सूरे फातिहा भी नहीं पढ़ सकेंगे, तो एहतियात वाजिब है, इंतजार करो, रुकू में जाए, जब जल्दी नियत करके तकबीर और तहराम पढ़ के रुकू में जाओ, पहली रकात हो गई हमारी पहली, उनकी तीसरी, क्योंकि अगर हमें यकीन हो गया है कि हम नहीं कैचअप कर सकेंगे क्योंकि उसकी तीसरी है तस्बीहात अरबा तीन पढ़ेगा और हमें सूरा फातिहा पूरा पढ़ना है, दूसरा सूरा पढ़ना है क्योंकि हमारी पहली रकत है और तस्बीहात अरबा पढ़ता है तो हमें सूरा तो पढ़ना पड़ेगा, मगर आपने जो अंदाजा लगाया कि नहीं अगर मैं सूरा पढ़ूंगी तो कैचअप नहीं करूंगी रुकू में, तो आप एहतियात वाजिब है कि इंतजार करे रुकू में, जैसा जाए जल्दी जाके नियत और तकबीर और एहराम करके उनको रुकू में ज्वाइन हो जाओ, हमारी पहली रकात होगी उसकी तीसरी रकात, इसी तरह गिनते रहेंगे उनकी तीसरी रकात है, वो समी अल्लाह करेंगे, आप समी अल्लाह करेंगे, वो दो सिद्धा करेंगे, वो दो सिद्धा आप करेंगे, वो भी बिहौली लाए करेंगे, आप भी हौली लाए करेंगे, वो चौथी रकत के लिए भी हौली लाए करेंगे, आप दूसरी रकत के लिए भी हौली लाए करेंगे, वो तस्बीहात अरबा पढ़ेंगे, आप जल्दी से फातिहा कम से कम पढ़ लेंगे, सूरे फातिहा कम से कम पढ़ ले, अगर दूसरा पढ़ सके तो नूर अला नूर, फिर उनको रुकू में, भले उनका रुकू का जिक्र खत्म हो रहा हो, आपका शुरू हो कोई बात नहीं, आप रुकू में उनको कैच कर लो, फिर वो समी अल्लाह, फिर वो दो सदा करके वो तशहुद पढ़ेगा, आप भी तशहुद, आपकी दूसरी उनकी चौथी है, नॉर्मल बैठेंगे दोनों, वो तशहुद पढ़ेगा, आप तशहुद पढ़ेंगे, थोड़ा इंतजार करें, वो सलाम पढ़ ले, फिर बिहौली लाए करके दो रकत नमाज अफुरादा पढ़ ले, दूसरी दो रकात अफुरादा पढ़ लें, एक एक बताऊंगी बस ताकि आपको जहन नशीन हो जाए, एक इजी मसला बता दो, अल्लाह इतना चाहता है कि हमें जमात की नमाज का सवाब मिले, आप गए तो पेश इमाम तशहुद में है, आखिरी तशहुद, इस फिनिशिंग नमाज, नमाज उसकी कंप्लीट हो रही, आपको पता चला आखिरी तशहुद में है, मगर आपको जमात की नमाज का सवाब चाहिए, आप ज्वाइन हो जाओ, नियत करके तकबीर और एहराम करके उनके साथ तशहुद में बैठ जाओ, उनके साथ तशहुद में बैठ जाओ, नॉर्मल जैसे नॉर्मल बैठते ऐसे तशहुद बैठ जाओ, तशहुद का जिक्र भी पढ़ो, वो सलाम पढ़ेगा, आप सलाम नहीं पढ़ेंगे, सलाम नहीं पढ़ेंगे आप, फिर वो सलाम पढ़ने के बाद आपकी पूरी नमाज आप पढ़ेंगे, दोबारा नियत तकबीर नहीं करेंगे, वो तो हो गया, वो आखिरी तशहुद में थे,
अपने नियत और तकबीर तहरम पढ़ लिया, उसके साथ तशहुद में नॉर्मल बैठ गया, तशहुद पढ़ा, वो जब सलाम पढ़ रहे थे आप खामोश रहे, फिर आप उठ खड़े हो गई, चारों रकात पढ़ेंगे फुरादा, सूरह फातिहा से शुरू करेंगे क्योंकि नियत और तकबीर तहरम हो गया, सूरह फातिहा से चार रकात आपको हमें जमात का नमाज का सवाब में शामिल हो गए। आज ये दो मसला, तीसरी में पेशमान तीसरी में थे, हमारी पहली थी, तशहुद आखिरी था, हमने किया। अब इंशाल्लाह आइंदा मजीद ऐसा ऐसा एक बताऊंगी तो मसला जहन नशीन हो जाए, और एक वापस रिपीट करूंगी नेक्स्ट टाइम कि वो की थर्ड डे आपकी फर्स्ट डे तक, ताकि मसाइल जहन नशीन हो जाए। तो ये हमारा आपका काम हो गया। अब हम आपके सवालात पर सवालात शुरू करती हूँ। कुछ सवालात है कि इसकी जल्दी नहीं नजर आती, तो ये पहला सवाल ये है कि उनके वालिद साहब ने कजा रोजा बहुत है, कजा नमाज भी है, और उनके वालिद साहब ने तकरीबन जानबूझकर रोजा नहीं रखते थे, यानी रोजे की अहमियत नहीं थी उनके दिमाग। अल्लाह बख्श दे ऐसे मरहूम इनका, खुदा बख्श दे, बहुत बड़ा अजाब है, बहुत बड़ा अजाब। अब औलाद मदद कर सकती है, तो जानबूझकर रोजा नहीं रखा तो उसने बताया कि आखिरी दो तीन साल बीमार थे, आखिरी दो तीन साल बीमारी की वजह से रोजा नहीं रख सका, उसका मसला अलग है। जानबूझकर रोजा नहीं रखा उसका मसला अलग। समझो उसकी उम्र थी 70 साल में इंतकाल हुआ, 15 साल में बालिग हुआ, तो वो मसला नहीं है। तो उसने उसने समझो 45 साल तक उसने रोजा नहीं रखा जानबूझकर, 45 साल, फिर आखिरी 5 साल में बीमार हो। तो आखिरी 5 साल का मसला आसान है, वो बीमार हो गए, ऐसा मरीज है कि रोजा रखना इम्पॉसिबल, और कजा भी देना इम्पॉसिबल था, क्योंकि बीमारी 11 महीना मुसलसिल चली, 11 मंथ तक बीमारी वही चलती रही कि कजा देने की मोहलत ही ना मिली, तो रोजा तो माफ हो गया। वो रोजा क्यों कि बीमारी की वजह से रोजा नहीं रखा, और बीमारी ने कजा रोजा रखने की भी मोहलत नहीं दी क्योंकि बीमारी मुसलसिल चली। तो फिदिया देना है, 1/4 किलो 1/4 किलो 3 पाव पर रोजे बीमारी की वजह से रोजा नहीं रखा, तो उसी वक्त हयाती में देना होता है कि रोजा के एवज में 1/4 किलो आटा या चावल गरीब 12 इमामी शिया को देना, अकॉर्डिंग टू सिस्तानी, खुल्लम खुल्लम गुना ना करता हूं। तो ये आखिरी साल का तो उसको उसी वक्त देने का था, वो जरूर बीमारी के आलम में दिए होंगे, नहीं दिए होंगे तो आज उनकी औलाद दे सकती। फिर वो कजा रोजा तो उस पर थे नहीं ये 5 साल का, क्योंकि बीमारी तो मुसलसिल चली। अगर बीमारी दरमियान में रुकी थी, 5 साल बीमार रहे, माह रमजान में रोजा रखने की ताकत न थी, बीमारी ने इजाजत नहीं दिया, मगर दरमियान में एक मोहलत मिली कि कजा दे सकता था मगर नहीं दिया, हाँ तो वो कजा के एवज में 1/4 किलो आटा या चावल अकॉर्डिंग टू ओनली आयतुल्ला सिस्तानी, ओनली आयतुल्ला सिस्तानी इजाजत दी है कि अगर कोई बीमारी की वजह से रोजा नहीं रख सका और कजा रोजा भी नहीं दे पाया, हालांकि कजा की मोहलत मिली थी मगर नहीं दिया, वो रोजा के एवज में 1/4 किलो आटा चावल गरीब 12 इमाम शिया को दे। वो वाला जो बीमारी की वजह से नहीं रखा और कजा नहीं दे पा नहीं दिया कि मोहलत मिली थी मैं नहीं दिया, वो कजा रोजा उन पे है, उसके एवज में फिदा दे सकता है, ओनली आयतुल्ला सिस्तानी इजाजत देते। मगर जो 45 साल उसने जो जानबूझकर रोजा नहीं रखा, 45 ईयर्स, उनका तो हर रोजे के एवज में 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, उनके तरफ से तोबा इस्तगफार करनी है, वालिद के तरफ से तोबा इस्तगफार करनी है, हर रोजे के एवज में 60 गरीब 12 इमाम शिया को 1/4 किलो 3 पाव आटा या चावल देना है एक रोजे के एवज में, और कजा भी रखना है 45 साल का, उसके बदले वो 1/4 किलो आटा या चावल दे सकता है जो आयतुल्ला सिस्तानी बताया, चाहे जानबूझकर रोजा नहीं रखा या बीमारी की वजह से, कजा रोजा जो है उनके एवज में तो 1/4 किलो आटा या चावल दे सकता, मगर जानबूझकर नहीं रखा तो 60 मिस्किन को 1/4 किलो एक रोजे के एवज में उसको देना पड़ेगा। तो रोजे की तो सहूलत भी है सिस्तानी साहब, कजा रोजे के एवज में आप 1/4 किलो आटा या चावल दे दो, बस ये इजाजत दी है, चाहे जानबूझकर रोजा नहीं रखा चाहे बीमारी की वजह से, रोजे की कजा के एवज में उन्होंने इजाजत दिया, मगर जानबूझकर नहीं रखा तो 60 मिस्किन को खाना खिलाना पड़ेगा।
मैं रिपीट करती हूँ ताकि मसाइल समझ में आ जाए, एंग्रेव हो जाए। तो माजरा चाहती हूँ जिन लोगों को मसाइल बहुत ज्यादा आते हैं उनको बोरिंग लगता होगा, मगर जिन लोगों ने पूछा है उनके लिए बहुत अहम जिम्मेदारी है। ओके, ये हो गया। अब सवाल ये है, बैंक की नौकरी कर सकते हैं क्या? इंशाल्लाह बैंक के मसाइल की दरख्वास्त पड़ी है, उसका पूरे मसाइल करूंगी इन लाइन में। जैसे हम अभी हम नमाज जमात का करते हैं, निगाह का मसाला आ गया है, सबकी टर्न बाय टर्न में हम करेंगे। उमरा का दरमियान में आ गया था तो हमने उनका किया था, तो अभी हम जमात नमाज के मसाइल से फारिग होने के बाद फिर हम बैंक के मसाइल अगर आप चाहे तो वो करूंगी, निगाह डालने का देख रेखे के क्या रिक्वेस्ट ज्यादा आ रहे हैं। बैंक के जॉब करना जहां सूद डिपार्टमेंट है, सूद का कोई लेन देन हो, अकाउंट्स लिखना हो, कोई वाउचर साइन करना हो जमा सूद के लिए, सब हराम। सूद का कोई काम हो वहां का नौकरी करना है। सूद के अलावा कमीशन की जगह है, चपरासी है, सफाई का काम कर रहा है बैंक में, वो नौकरी जायज। ऐसी नौकरी की जो सूद से बिल्कुल लेन देन, कुछ लेन देन नहीं, जरा बराबर साइन तक भी, सिग्नेचर भी नहीं करनी पड़ती तो इजाजत है। जरा भी सूद का लेन देन है वहां नौकरी करना जायज नहीं है। खातून, कोई खातून की मजलिस रिकॉर्ड करना हो तो क्या उनकी इजाजत के बगैर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? अगर उसने कुछ शर्त नहीं लगाई, बस मजलिस पढ़ रही है, आपको रिकॉर्ड करना है, जायज है, आम है, आम मजलिस पढ़ रही है, आपने रिकॉर्ड, मगर उसने शर्त लगाई है कि कोई उनकी रिकॉर्ड नहीं करेगा तो बदअखलाकी में है, तो बदअखलाकी में शामिल, और बदअखलाकी तो हम पता है गुनाह है, तो बदअखलाकी में शामिल है कि अगर उसने मना किया है ना फिर हमने किया, मगर उसने कुछ नहीं किया, खामोश है, तो हम रिकॉर्ड कर सकते, कोई मसला नहीं। तो बदअखलाकी से इंशाल्लाह बचना पड़ेगा अगर उसने शर्त लगाई। कोई कहते परेशानी चारों तरफ से घेर ली है, रिस्क का मसला है, फलाने लंबा बिचारी का सवाल है, बहुत परेशान तो हो, तकरीर तो हो गई, मुझे लगता है उसकी मसला हल हो गया होगा, तो उनके लिए अफजल तरीन चीज इस्तगफार। परेशानी क्यों आती? दुआ कुमेल के 6 जुमले मौला अली ने बताए, हजरत खिजर की दुआ खिजर ने बताया, मौला अली ने बताया, उस गुनाह को माफ़ जो इस जिल्लत हासिल होती है, जो तकलीफ आती है, जो तगैर नेमत छीन ली जाती है वगैरह, दुआ कबूल नहीं, वगैरह वगैरह। तो जो परेशानी आती है, रिस्क का मसला है, पहले तलाश करो कोई गुनाह है, शायद खोम्स में हमने गड़बड़ किया, हुकूक नास मीरास के मसले में हमने किसी का हक खाया है, कहीं माली माल माल किसी का, हमारे माल में परेशानी, रिस्क में परेशानी आई, तो खोम्स के तलाश करें, किसी का हक हमारे गर्दन पे है, उनसे माफी मांगे, माफी ले लेवे वगैरह। नमाज कहीं कजा होती है, कहीं गीबत हो रही है, कहीं झूठ बोल रहे हैं, झूठ और रिस तो कभी साथ में नहीं जाएगा। गुनाह की तलाश करें और कसरत इस्तगफार करें, दिन में 30,000 मरतबा कर सके तो अच्छा, 30,000 पूरी तस्बीह करे, 3,000 होगा, 30 तस्बीह तो 3,000, तो कम मिनिमम 3,000 का उलमा और मैक्सिमम 30,000। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातुब, एक एक गुना को याद करके, एक एक गुना को याद, नमाज जाफर तैयार इस्तगफार की नियत से पढ़े, वो मासूमिन को हदिया करे, उनको वसीले से दुआ करे कि परेशानियां दूर हो। नमाज जाफर तैयार में तमाम गुना माफ हो जाता है और हाजत भी पूरी होती है, जो परेशानियां सब दूर होती है नमाज जाफर तैयार। अव्वल वक्त नमाज तमाम परेशानियों का हल, तमाम तकालीफ और रिस्क का मसला सब हल हो जाता है। अव्वल वक्त नमाज जाफर तैयार, कसरत इस्तगफार, कसरत से दुरूद पढ़े, इस नियत से कि गुनाह माफ हो जाए दुरूद के वसीले से। ये सारा काम करना पड़ेगा। अब सबसे पहली तो गुनाह की तलाश करे, कौन सा गुनाह है, जितनी परेशानी क्यों आ रही है, कभी इम्तिहान हो सकते हैं, मगर हम लायक नहीं इम्तिहान, हम लोग लायक नहीं इम्तिहान, आयतुल्ला सिस्तानी ने खामनाई ने वो लोग कह सकते हैं हम इम्तिहान, हम लोगों तो गुनाह हो जाता है, गिबत नहीं करते तो गिबत सुन लेते हैं, मिर्च मसाला बात में झूठ इजाफा कर देते हैं,
फेसबुक या ट्विटर मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमने कितना गुनाह में मुलविस कर देते, बेपर्दगी हम कितना करते, मिस यूज ऑफ द जबान हम कितना करते। तो गुनाह की माफी बहुत कसरत से करना है, ये जो नमाज जाफर तैयार, अव्वले वक्त नमाज, हुकुकुन्नास, खोम से किसी का हक हमारे गर्दन पे, उनकी जब हिसाब किताब लगाए। घर की छोटी छोटी चीज में बचती है, परफ्यूम बच जाता है, राशन बचता है, उनका खुम्स कैसे निकाला जाए। ये सब मसाइल आ गए, रिपीट हो रहा है, मगर कोई बात नहीं, जवाब देना हमारा फर्ज है। परफ्यूम इतना बचा है कि मार्केट वैल्यू नहीं, बेचने जाओ तो उसकी कोई कीमत नहीं मिलेगी, तो खुम्स माफ है। किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू ना मिले तो खुम्स माफ, मगर राशन की तो मिलेगी। पाव चावल भी बेचा जाता है, पाव किलो चावल भी बेचा जाता है, पाव किलो आटा भी बेचा जाता है, थोड़ी सी हल्दी भी बेची जाती है, अंडे भी, दो भी अंडे भी बेचा, उसकी भी वैल्यू मिल सकती है। तो राशन पे तो खुम्स होगा, सारा राशन का हिसाब करके पांचवा हिस्सा खुम्स देना पड़ेगा। वो तो बचत थे, चाहे थोड़ा भी बचा हो तब भी, मक्खन थोड़ा बचा तो थोड़ा मक्खन की छोटी पैकेट भी मिलती है। तो आप देखें कि जिसकी चीज की मार्केट वैल्यू मिलती है, जो बेची जाती है ऐसी, उस पे खुम्स, उसकी बचत पे खुम्स है। शरबत की आधी बोतल बत्ती, आपको पता है शरबत ये कोई नहीं खरीदेगा आधी बोतल, तो फिर खुम्स नहीं होगा। कोई खरीद, मार्केट में वैल्यू है इसकी आधी बोतल की, तो फिर खुम्स होगा। तो मार्केट वैल्यू में जिसकी मिले उसका खुम्स है बचत में, जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं उसमें खुम्स नहीं है। हाँ, खुम्स की तारीख पे खुम्स देना पड़ेगा। से ज़ियारत का शौक दिलाने के लिए किसी को क्या कर, आ गए लास्ट टाइम भी मैंने जवाब दिया, कामिलुल ज़ियारा की किताब, इतना अजीम आलिम ने लिखा है कामिलुल ज़ियारा। इसमें जो फजीलत बताई गई ज़ियारत की फजीलत, उनको सुनाया जाए। देखो हमें ये, मैंने मिसाल भी दी थी, हम आजादारी में क्यों इतना शिरकत करते, उसकी फजीलत पता है। हम न्याज क्यों इतना करते, फजीलत पता है। कहानी को क्यों पसंद, उसकी फजीलत पता है। जिसकी फजीलत पता हो तो इंसान उनको दिलो जान से करता है, उनको शौक नहीं क्योंकि फजीलत नहीं पता। ज़ियारत का क्या सवाब है, क्या दुनिया के आखिरत की कामयाबी है, क्या इंसान की किस्मत बनती है, उसको नहीं पता। वो मदरसतुल कायम में आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको खूब रिकॉर्डिंग मिलेंगी, ज़ियारत की अहमियत, ज़ियारत की फजीलत, इतनी रिकॉर्डिंग है ज़ियारत के बारे में। आप वहां से रिकॉर्डिंग लेके घर में सुनाओ, बच्चों को दिलचस्पी दिलाओ, तो फजीलत पता चले। तो कामिलुल ज़ियारत किताब तो हर घर में है, उर्दू में छप गई, इंग्लिश में छप गई, सब लैंग्वेज में छप गई है, तो उसमें तो इतनी फजीलत बताई गई है। तो इंसान कोई भी होगा तो पागल होगा ज़ियारत करने के, इतनी ज्यादा फजीलत, को हद नहीं। सवाब अलग, फजीलत अलग, फवायद अलग, दुनिया आखिरत की कामयाबी अलग। तो ये उनको बताया जाए। क्या पड़ोसी के अतराफ में हिंदू रहता है, वो माली परेशानी में हो तो क्या उनकी मदद करने में सवाब मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहा सदके की नियत भी कर सकते। आयतुल्लाह सिस्तानी ने बताया कि बिल्कुल काफिर हो उसको भी सदका दिया जा सकता है। पड़ोसी का हक बन गया, एक तो पड़ोसी हो गया, तो एक अल्लाह की मखलूक और पड़ोसी, दो हक बन गए। तो आप जरूर, आपको उनकी हिंदू की मदद करेंगे तो हमें आपको जरूर सवाब मिलेगा। हाँ, उसके मियां बीबी की शरई हुकूक की किताब चाहिए। ये तो हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती, हमने जो गलती क्या किया है कि मियां बीबी की जिम्मेदारी और हुकूक मंगनी के बाद रुखसती से पहले उनको पूरा स्टडी करना चाहिए, दोनों लड़का लड़कियों को। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी, वालिदैन जहेज का सोचते हैं, लड़के के लिए क्या फर्नीचर चाहिए, क्या जेवर बनाए, ने क्या करे दुल्हन को देने के, लड़की वाले जहेज कितनी फिक्र करते, मगर उनको हुकूक और जिम्मेदारी नहीं बताए। आज शादियों की क्या हालत हो गई, लड़के को पता होना चाहिए कि तू शादी करने जा रहे खाली जिनसी ख्वाहिशात के लिए नहीं है ये शादी, स्पिरिचुअली के बहुत बड़ी जिम्मेदारी में कदम रख रहे। आधा ईमान आधा तकवा, हर नमाज 70 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा सवा, तो कितनी जिम्मेदारी से भरपूर होगी जिंदगी। तो ये फर्ज है, मंगनी या हुई उसको रुखसती का टाइम दे कि दोनों बैठ के सीखे, किसी आलिम को रखे, किसी जाकिर जाकिरा को रखे, उनके हुकूक और जिम्मेदारियां बताए।
शादी को खैल तमाशा थोड़ी है, अजीम इबादत। तो ये हमारा, तो ये सवाल बहुत अच्छा पूछा है जिसने, मियां बीबी के हुकूक और जिम्मेदारी के बारे में कोई किताबों का नाम दो। कौन सी किताबें छपी गई? आप तो किसी भी इस्लामिक किताबों में जाएंगे, बुक शॉप में, आप कहेंगे अज़वाजी जिंदगी का हुकूक जिम्मेदारी, आपको फौरन किताबें निकाल देगा। मगर मैं चंद नाम देती हूँ। आयतुल्लाह इब्राहिम अमीनी ने बहुत काम किया इसमें। आयतुल्लाह इब्राहिम अमीनी ने एक काम ये किया कि जवानों की जल्दी शादी करवाते, क्योंकि इसका स्पिरिचुअली मेंटली फिजिकली मॉरली सारे फवायद मिस न करे। घर घर जाते थे, शादी करवाते थे लड़का लड़कियों की, बेवा को भी, तलाक वाली की। ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, कुछ मुद्दत पहला इंतकाल हुआ है। और दूसरा, किताबें लिखी शादी की जिंदगी कामयाब कैसे करा, अज़वाजी जिंदगी अच्छी कैसे गुजारा। तो ये उर्दू में भी किताबें अरबिक में है, फारसी में है, इंग्लिश में भी छप गई। आप कहें इब्राहिम अमीनी, आयतुल्ला इब्राहिम अमीनी की किताबें चाहिए। मैंने किसी को पढ़ने दिया इसीलिए मेरे पास नहीं था नाम, एग्जैक्ट नाम क्या है, तो उसमें आप इब्राहिम अमीनी की किताब, बहुत अच्छा काम किया। फिर इंग्लिश में किताबें यूथ एंड स्पाउस सिलेक्शन, यूथ एंड अंसारियन पब्लिकेशन, अंसारियन ने पब्लिश किया है यूथ एंड स्पाउस सिलेक्शन। उसमें भी जिम्मेदारियां है, मंगनी के बाद क्या जिम्मेदारी वगैरह। अज़वाजी जिंदगी, ये मैंने कहा मुझे लगता है इब्राहिम अमीनी की। और प्यारा घर, आयतुल्ला हुसैन मुजाहिर, सब आयतुल्ला से, आयतुल्ला हुसैन मुजाहिरी की किताब प्यारा घर, उसमें बताया जाता है। फिर आप देखो मैरिज एंड मॉरल्स, इंग्लिश में दो वॉल्यूम है, सैयद मोहम्मद रिजवी ने किताब लिखी है मैरिज एंड मॉरल्स, इंग्लिश में दो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू। बहुत सी किताब लिखी गई मैरिज, सक्सेस ऑफ मैरिज पे बहुत सी किताबें लिखी गई, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, गुजराती में भी, हर जबान, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। अगर मैरिज सही गुजरे तो औलाद नस्ल सही होगी, नस्ल सही होगी दिमाग में जमाने का जल्द जुहूर हो जाए, आके दुनिया में अदल इंसाफ नाफिज करके जुल्म और जोर को खात्मा करें, दुनिया को एक जन्नत का टुकड़ा बनाए। मगर शादी को बहुत कीमती, खास करके औलाद, औलाद, औलाद की तरबियत, औरतों को बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती। ओके, तो ये मैंने चंद नाम दिया है। सूरे फातिहा कि जो मासूमिन को मदया करते हैं, उसके बाद हम उनके वसीले से मरहूमिन को मदया करते हैं, तो क्या है? मरहूमिन के नाम, उसका वालिद का नाम लेना है? बिल्कुल नहीं। आप दे दो मेरे वालिदेन को, मेरे रिश्तेदार को, मेरे मामू को, मेरे चचा को, मेरे रिश्तेदार को, पहला नाम बताओ तो फलान 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 अब्दुल्ला को, फलान अली को, बस एक ही नाम बताओ, बस या तो जहन में आपने शख्सियत को लेके आए, वो भी काफी, जहन में शख्सियत आ गई, किसके लिए आप किसकी बात कर रहे? तो आप तमाम मरहूमिन को हदिया करते मासूमिन के वसीले से, तो साथ में जिनको स्पेशल करना है उसको दिमाग में लाए तब भी काफी, एक नाम पहला नाम भी पता हो काफी है, सिर्फ वालिदैन कह दो काफी है। कहा कि कौन सी नियत बेस्ट है, क्योंकि आबाज उलमा बताते हैं कि अब हद्या करो हजरत आदम से लेके आज तक जो मर गए, जब भी आप हद्या करो हजरत आदम से लेके आज तक जो सब मरहूमीन को हद्या करते, मगर उम्मत रसूल का ज्यादा हक बनता, उम्मत रसूल में वही लोग है जो फर्मा बरदार लोग, जालिमो नहीं है। उम्मत रसूल में से खारिज हो गए वो लोग जो दुश्मनान अहले बैत है, जो दुश्मनान रसूल और दीन है, वो ऑटोमेटिकली उम्मत रसूल से खारिज हो गए। तो उम्मत रसूल का हक सबसे ज्यादा बनता है कि सब हजरत आदम से लेके आज तक सबको, खास करके उम्मत रसूल के मरहूमिन को ये सवाब पहुंचे। तो आप कोई भी ऐसी भी नियत कर सकते हो, कभी आप साल 124 संतान अंबिया के लिए किया, कभी 14 मासूम के लिए, कभी स्पेशल बीबी फातिमा इमाम ज़माना के लिए किया, वो अलग भी कर सकते हो, उसके वसीले से आम मोमिनीन को भी हदिया कर सकते हो। एक ही नाम पता हो, जैसे नमाज शब के अल्लाहुम्मा अग़फिरली अबू, अल्लाहुम्मा अग़फिरली अम्मी, अल्लाहुम्मा अग़फिरली भाई, अल्लाहुम्मा अग़फिरली बहन, इस एक अल्लाहुम्मा अग़फिरली दादी, अल्लाहुम्मा अग़फिरली नानी, इस तरह बस शख्सियत दिमाग में आ जाए बस। तो ये नियत उलमा बताते हाँ कि मैं हद्या करती हूँ आम हजरत आदम से लेके आज तक जो इंतकाल हुआ है, कि आपने कोई दुआ बताई थी कि सूरज फजर से लेके सूरज उगने तक, सूरज डूबने तक नहीं,
जो गलत सुना है। ये शहजादी ने मजम्मत की कि उस वक्त कोई सोता है फजर की नमाज से लेके सूरज उगने तक, वो इतनी खराब नींद है, सुस्ती पैदा होती है, काहिली पैदा होती है, रिस्क में बरकत नहीं होती है, रिस्क हलाल रिस्क नहीं मिल में कमी हो जाती है, हलाल रिस्क में कमी हो जाती है। तो ये तो इस वक्त एक औरत अगर काम नहीं करती है, इनको जरूरी नहीं काम करे, वो इस वक्त में ऐसी ऐसी दुआएं सूरा पड़े कि शौहर की तनख्वाह बढ़ती चली जाए, शौहर का बिजनेस आगे निकल जाए, रिस्क में बरकत हो जाए, औरत को काम करने के बजाय ये काम करे। इसमें खास तीन सूरा तो खास रिस्क के लिए बेहतरीन सूरा बताया गया, सूरह काफ सूरा नंबर 50, 50 नंबर का सूरा सूरह काफ, सूरा नंबर 51 सूरह अज़्ज़ारिया, तीसरा है सूरह वाकिया। सूरह वाकिया रात को पढ़ते मगरिब की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद, मगर ये दो सूरा जो है सूरह काफ और सूरह अज़्ज़ारिया 50-51 फजर की नमाज के बाद से लेकर सूरज उगने तक रिस्क के लिए बेहतरीन सूरा। नौवे इमाम का वसीला बेहतरीन वसीला है रिस्क के लिए, बीबी खदीजा का वसीला बेहतरीन वसीला है रिस्क में बरकत, माल में बरकत, उनको कुछ हदिया करना, सूरह इन्ना अंज़लना, सूरह कदर रिस्क की नियत से पढ़ना बहुत बरकत है, वगैरह वगैरह। और दुआएं बेशुमार बताई गई है रिस्क के लिए, आप मफातुल जिनान में देखना, वेरियस किताबों में दुआएं बताई गई है रिस्क के लिए, वो दुआएं भी पढ़ सकते हो, मुख्तलिफ किताबों में है। तो सूरा के साथ साथ दुआएं भी, दो चीज साथ में लेना है, कुरान और वो अल्ले बैत ने बताया। उसने कहा कि हम लोग बिल्ली को पालते, जो हमने पता चला कि शरीयत में इजाजत है, बिल्कुल इजाजत है बिल्ली को पाल सकते, मगर उनके दो तीन बालों से ज्यादा बाल कपड़ों में नहीं होना चाहिए नमाज के लिए। कहते ये मसला नहीं पता था, अब आज पता नहीं कि दो तीन बाल से ज्यादा थे कि कितने थे, तो बेनिफिट ऑफ डाउट है, कोई नमाज कजा नहीं देनी पड़ी, क्योंकि मसला आज पता चला, पिछली बात कुछ नहीं पता। आप बिल्ली को पालते थे, आपको नहीं पता कि दो तीन ही बाल थे, कि दो तीन बाल भी नहीं थे, कि दो तीन से ज्यादा थे, होंगे उसके तो शायद होंगे, होंगे बता रहे शक, तो बेनिफिट ऑफ डाउट है, बेनिफिट ऑफ डाउट है। आज से एहतियात करो कि हमेशा कोशिश करो कि बिल्ली को जो लोग पाल रहे हैं तो नमाज के पर कपड़े अलग से रखें। अब बेटी की वही बात, वापस सवाल आया कि बेटी की तलाक हो गई, दो साल हो गए, इद्दा भी हो गया, तलाक का सिगा पड़ाया गया, इद्दा हो गया, फिर भी वो शौहर को मिलने जाती, पता नहीं मुता का सिगा पड़ता होंगे, हमने क्या पता, तुम लोग प्राइवेट में दोनों मिलके निकाह पढ़ लिया होगा, अगेन दोनों मिलके मुता का सिगा पढ़ लिया होगा, हमें नहीं पता, हम हुस्ने ज़न रखते हैं कि अभी मिलने के लिए जा रही है, पता नहीं वो जबरदस्ती से बुला रहा है कि वो खुद खुशी से जा रही है, नहीं पता। अभी हम क्या करें, उससे बात करूं कि कोई हराम काम तो नहीं हो रहा है, इद्दा खत्म तो दोनों ना महरम है, मगर क्या पता आजकल खुद लोग सिगा पढ़ लेते, मुता का निकाह का सिगा खुद पढ़ लेते, थोड़े मसाइल सीख के कस दे इंशा, या किसी मौलाना से परवा लेते हैं कि आप पढ़ दो, हमने दोनों मियां बीबी को मिलना है कभी कभार, तो हमें नहीं पता अभी वो हलाल काम हो रहे हैं हराम काम। तो वालिदैन बच्ची से बात करें कि तू मिलने जा रहे हलाल काम है हराम काम है, आपने कोई सिगा पढ़वाया है, ये क्यों आपका तो इद्दा भी खत्म, तो ना मैं आप क्यों इनको मिलने जाती है, तो वालिदैन को तहकीक करनी पड़ेगी, कोई दोस्त को पकड़ो, उनको दोस्त से पूछ करे, कोई उनकी उस्ताद हो, कोई उनको जिससे वो जाकेरा हो, जिससे वो मानती हो, उनको यूज करो, उनको जाके पूछे कि तू हराम काम करे हलाल करे, तू कैसे तेरे शौहर को मिलने जा रही है। तो ये आपको उनको अम्र बिल मारूफ और नहीं मुनकर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सुबहान अल्लाह का मतलब क्या है, हम जहन में क्या मीनिंग लाए जब हम कहे सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाको पाकीज़ा है, अल्लाह मुनज़्ज़ा है, इंग्लिश में ग्लोरी बी टू गॉड, अल्लाह नूर है, अल्लाह पाको पाकीज़ा है, अल्लाह मुनज़्ज़ा है, इसीलिए हम जब पढ़ते सुबहान अल्लाह तो अल्लाह के हमें भी तू पाक कर, तू पाको पाकीज़ा हो, तू मुनज़्ज़ा हो, हमें भी पाक कर। ये जिक्र इतना कीमती है कि एक जिक्र इतना एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहना। हजरत सुलेमान कहते मेरा पूरा तख्त मेरी पूरी सल्तनत सब एक तरफ, एक सुबहान अल्लाह का सवाब उससे ज्यादा है, इतना ज्यादा मिलेगा, इतना ज्यादा मिलेगा, इतना कीमती इंसान की पाकिजगी मिलती है, क्योंकि अल्लाह को पाक कहता है और दुआ करता है खुदा मुझे भी पाक कर दे,
मुझे गुनाह से बचा, जो गुनाह हो गया मेरे मुझे मगफिरत अता कर, मुझे पाकीजगी मांग रहे हो। तो पाक है अल्लाह, मुनज्जा है, इसका मतलब ये मीनिंग हमें दिमाग में लाना चाहिए। अभी 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 वो सवाल है जो मुझे लगा कि इतना इतना अर्जेंट नहीं, अभी उस पे जाती हूँ कि जो मुझे इतना अर्जेंट नजर नहीं आया, टाइम है तो उसको खत्म करती हूँ आज। उसका सवाल ये है कि उसने बच्चे को गिराया है, अल्लाह अकबर, पता नहीं औरत तो क्यों ऐसा करती है, नहीं समझ में नहीं आता है। उसने बच्चे को गिराया है, अभी कौन गिराया? डॉक्टर ने ये काम किया कि उसने खुद ने गोलियां खा के गिराई अपने आप को, खुद को खुद ने इंजेक्शन लगाए, तो वो कफारा देंगे जो जिसने ये आखिरी काम किया। ये मैंने सारा लिखा है, अगर नुत्फे के आलम में बच्चे को गिराया, अभी तो पानी के सूरत में था, तो 20 दिनार ने 70 ग्राम सोना देना पड़ेगा, 70 ग्राम सोना, 70 ग्राम सोना देना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा कि आगे बात बढ़ गई, खून जमा हुआ। जमा हुआ खून था तो 40 दिनार, एक तो 70 का 70 डबल, 140 ग्राम सोना देना पड़ेगा, 140 ग्राम सोना देना पड़ेगा। इसी तरह गोश का लोथरा हो गया तो 73 टाइम्स देना पड़ेगा। देखा, इस तरह बढ़ता चला जाएगा। उसने बताया नहीं है कि किन सूरत में बच्चा गिराया। अगर उसने डॉक्टर ने गिराया तो दियत, डॉक्टर इसको दियत कहा जाता है, ब्लड मनी, डॉक्टर देगा, ये बच्चे का हक बनता है और बच्चे को वारिस को मिलेगा, बच्चा को तो मार डाला, बच्चे को वारिस को मिलेगा। मगर अगर ये डॉक्टर ने किया तो डॉक्टर देगा, मगर उन्होंने साथ दिया, कत्ल में साथ दिया है तो उसको कत्ल का गुनाह मिलेगा, दियत नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि डॉक्टर ने इंजेक्शन मार के बच्चे को गिरा दिया, तो डॉक्टर देगा, मगर उसको तौबा सख्त करनी पड़ेगी, सख्त तौबा करनी पड़ेगी नमाज जाफरे तैयार के जरिए कि कयाम के दिन उसको न पकड़ा जाए। तो पहली स्टेज है 20 दिना 70 ग्राम सोल जब नुस्वे की सूरत में है, फिर खून का लोथरा हुआ तो 40 दिना 140 ग्राम सोना। अच्छा, ये बच्चे का हक बनता है तो बच्चे का वारिस को मिला जाए। थर्ड स्टेज है जिसको मुजगा कहा जाता है, गोश का टुकड़ा बन गया, 60 दिना तो 210 ग्राम सोना, हड्डी बन चुकी है तो 80 ग्राम सोना, नहीं सॉरी 80 दिनार 280 ग्राम सोना, 280 ग्राम सोना, हड्डी आ गई, हड्डी पर अभी गोश आ चुका तो 100 दिनार जो 350 ग्राम सोना है, रू आ गई तो लड़का है तो 1000 दिनार जो 3500 ग्राम सोना, 3500 ग्राम सोना देना पड़ेगा। लड़की है तो 500 दिनार 1750 ग्राम सोना देना पड़ेगा वारिसों को। अगर बीवी ने गिरा दिया तो उनका बच्चे का वारिस उसका बाप है तो बाप से माफ करवा दे, अगर बीबी ने इंजेक्शन खाया, दवा पी के गिराया बच्चे को तो बाप वारिस है तो बाप से माफी मंगवा ले, नहीं तो दिया पेड़ी। पर कत्ल का गुनाह है, वो गुनाह की माफी के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तौबा इस्तग़फार हद से ज्यादा करनी पड़ेगी कि कयामत के दिन उसके बेटे की कातिल में शुमार ना हो। अब दोबारा ये सवाल पूछा गया कि फजीलत का टाइम बताए, मगरिब की फजीलत, अजान, मगरिब की अजान से लेके 51 मिनट रहते, 51 मिनट्स मगरिब की अजान का वक्त जो है
वहां से लेके 51 मिनट, मगर जितना जल्दी पढ़े उसका स्वभाव फर्क पड़ेगा। अव्वले वक्त पहली मिनट में पढ़ा उसका स्वभाव बहुत ज्यादा, दूसरी मिनट में पढ़ा थोड़ा स्वभाव उतर आया, मगर फजीलत रहती है 51 मिनट तक। बाज उलमा ने बताया कि मगरिब की नमाज के बाद 40 मिनट रहती है टाइम, किसी ने मगरिब की नमाज पढ़ लिया, अब 40 मिनट फजीलत रहती है मगरिब की, मगरिब के बाद अगर टाइम गिनो तो, मगर ऐसे अजान के वक्त से लेके 51 मिनट। ईशा की नमाज की फजीलत शुरू होते मगरिब की 51 मिनट के बाद, जैसे 51 मिनट खत्म हो गई मगरिब के अजान के साथ, ईशा की फजीलत शुरू हो गई 51 मिनट के बाद। वो 3 घंटा रहती है ईशा की फजीलत, तो 3 घंटा रहती है, मगर सवाब में फर्क पड़ेगा, जितना जल्दी पड़ेगा सवाब में फर्क, मगर फजीलत रहती है 3 घंटा। बाज ने कहा 3 घंटा 10 मिनट, मगर 51 मिनट अजान से गुजर गया तो ईशा की फजीलत शुरू हो गई, मगर टाइम तो ईशा का शुरू हो गया, मगरिब का नमाज के 3 मिनट के साथ ईशा का नमाज का टाइम शुरू, टाइम अलग है फजीलत। अगर कोई फजीलत ईशा की नमाज पढ़ना चाहिए तो 51 मिनट सबर करे, उसमें मगरिब की ताकीबात करे, गुफेला पढ़े, इस्तगफार की नमाज जो जो पढ़ना है, ताकि 51 मिनट गुजर जाए फिर ईशा की पढ़े, तो ऐन फजीलत मिलेंगी ईशा की। फजर की अजान से लेके 21 मिनट, फजर की जो अजान का टाइम है उनकी 21 मिनट तक फजीलत रहते, बस 21 मिनट के बाद फजीलत खत्म, जॉइंट जस्ट टाइम है नमाज का, बाकी है नमाज का टाइम बाकी है, मगर फजीलत खत्म 21 मिनट। इसीलिए कहा जमात की नमाज अगर 21 मिनट के अंदर पढ़ी जाती है तो तुम जमात की नमाज का इंतजार करो, मगर 21 मिनट के बाद पढ़ी जाती है तो तुम पहले पढ़ लो, फजीलत को ना घुमाओ, पढ़ लो अकेला, फिर जमात के नमाज के साथ मुस्तबनिया से पढ़ो तो उनका अलग से सवाब मिलेगा, मगर फजीलत को नहीं घुमा, 21 मिनट रहती है बस। जहोर की फजीलत अजान से लेके 1 घंटा 40 मिनट रहती है, बाज ने कहा 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, थोड़ा थोड़ा फर्क है उलमा में, जिन उलमा ने बताया, एक आलिम ने कहा 1 घंटा 40 मिनट जहोर की फजीलत रहती, मगर वही बात जितना जल्दी पढ़ेंगे इतना सवाब ज्यादा, और बाज ने बताया 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट रहती है जहोर की फजीलत। और असर की फजीलत कब शुरू होती है? असर की फजीलत शुरू होती है अजान जहोर से 2 घंटा 50 मिनट बाद, अजान सारा बार आई उसमें 2 घंटा 50 मिनट को इजाफा करो तो असर की फजीलत, जो जैसे सिस्तानी वार फरमाते इमाम खुमैनी, अलग नमाज पढ़ने में ज्यादा सवाब, आयतुल्ला खुई तो कहते 2 नमाज एक के बाद दिगर पढ़ने में ज्यादा सवाब, तो उनके लिए असर की फजीलत काम नहीं आएगी, आयतुल्ला खुई वाले को वो जहोर की नमाज के बाद ताकीबात करके असर की पढ़ लेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि दोनों को साथ में पढ़ने में ज्यादा सवाब, मगर बाकी के आयतुल्ला सिस्तानी आयतुल्ला खुमैनी वगैरह कहते नहीं अलग पढ़ने में ज्यादा सवाब है। तो असर की फजीलत में पढ़ना है तो जहोर की अजान से लेके 2 घंटा 50 मिनट और सिर्फ 42 मिनट फजीलत रहती है बस, फिर 42 मिनट तक उनकी फजीलत रहती है असर, टाइम उसकी फजीलत का शुरू होता है जहोर की अजान का वक्त से लेके 2 घंटा 50 मिनट ऐन असर की फजीलत शुरू हुई और 42 मिनट तक रहेंगे, किसी ने आलिम ने कहा 41 मिनट तक रहती है, एक आलिम ने कहा 42 मिनट, थोड़ा थोड़ा उलमा में इख्तिलाफ रहता है। अब हम देखेंगे कोई अर्जेंट सवाल है, कोई अर्जेंट सवाल है चैट बॉक्स में तो उनको टाइम दिया जाए। ओके, क्वेश्चंस तो हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा वो ये है कि आई हैव वुंड्स ऑन माय नोज एंड फोरहेड, आई हैव बैंडेजेस, देयर इज अ वेरी लिटिल स्पेस लेफ्ट अनकवर्ड, हाउ विल माय सजदास बी वैलिड? Also, I'm doing tayammum as a doctor has advised not to touch wet hand on the bandage. Doctors were not Muslim, so is it okay to do tayammum? Should I then pray the namaz again? Wapas, please sawal aap repeat karenge aista aista. Right. I have wounds on my nose and forehead and I have bandages. And there's a very little space left uncovered. So how will my sajdas be valid? This is the first question. Second, also I am doing tayammum as doctor has advised not to touch wet hands on the bandage. And the doctors were not Muslims. So is it okay to do so?
is it okay मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि वुजू जबीरा हो सकेगा क्योंकि ओनली फॉरहेड एंड ओनली नोज ये दो पे बूंद से पेशानी पे और नाक पे बस ये दो बूंद से और बैंडेज है बाकी yeah. सर का मसाला पैर का मसाला दोनों हाथ सब सही और सालिम है और चेहरे का भी कितना हिस्सा सब तो मैं समझती हूँ कि ये पानी डाले चिक्स पे तो डालेंगी चिक्स पे पानी डालेंगी आंख पे ये सब सही है मगर इतना ड्राई थोड़ा सा हाथ टच कर दे पेशानी और नोज पे कि वेट नहीं होगा सिर्फ टच कर दिया तो वो बिल्कुल बैंडेज इसको फर्क नहीं पड़ेगा मैं समझती हूँ मगर उसको खौफ है तो खौफ इस्लाम खौफ को कबूल किया है तो खौफ हो तो टच ना करे तो जितना हिस्सा मिल रहा है इतना वुजू करे और तैमूम भी करे ऐसे भी पेशानी नहीं मिलेंगी तैमूम में पेशानी अहम तरीन है वो तो मिलने वाली नहीं है तो दोनों अधूरा रहेगा तो मेरी राय ये है कि चेहरा धोए जहां से जितना चेहरा खुला है इतने को धो ले इतना चेहरा को पानी से धो ले उसको फॉरहेड और नोज को टच ना करे क्योंकि खौफ रहेंगे कि बिल्कुल गीला हाथ बिल्कुल डर है कि डॉक्टर ने मना किया तो खौफ आ जाएगा तो नुकसान होने का इम्कान तो जितना चेहरा का हिस्सा वो खाली है इतना तो वजू करें राइट हैंड देंगे लेफ्ट हैंड देंगे सर का मसा करेंगे पैरों का मसा करें और तैमूम भी करेंगी बैंडेज के ऊपर फॉरहेड पे बैंडेज वहां से हाथ फेर लेंगी दोनों एहतियातन दोनों कर लें मगर वजू के बहुत से आजा क्लीन है तो वजू तो करना है अगर उसको खौफ है तो हाथ भले ना फेरे पेशानी पे और नोज पे हाथ ना फेरे वो करे खौफ है अगर खौफ नहीं है जरा सा फेर ले तो वो कर सकती है देख ले उनकी कितना खौफ है तो नहीं फेरे okay. सजदे के लिए उनको थोड़ी भी जगह अगर मिल रही है थोड़ी भी जगह तो सद्दा हो जाएगा अगर बीच में नहीं हो रहा है बीच से हम सद्दा करते साइड में कहीं भी जगह खाली है क्योंकि पूरी पेशानी जहां से कान शुरू होता है वहां पेशानी एंड हो रही है कोई भी जगह मिल गई कोई भी जगह मुहर के लिए मिल गई इतनी एक अंगूठे शहादत की पोर तक इतनी भी मिल गई जगह तो मोहर के लिए काफी है तो पेशानी में कोई भी थोड़ी सी जगह जब थोड़ी सी खाली है वहां टच करवा दे सजदे में अलग और छोटा सा सजदा कर सुभान अल्लाह लंबा ना करे फिर बैठ के वो जिक्र ज्यादा करे सुभान अल्लाह बस छोटा सा और जहां थोड़ी जगह अपने बताया कि थोड़ी खाली जगह है ठीक है इसके अलावा ये है कि थर्सडे को जो हम बीबी की कहानियां पढ़ते हैं तो उसके बारे में क्या हुक्म है देखो कहानी क्या है मोजीजा है शहजादी के मोजीजा तो बहुत सी है मोजीजा है एक मोजीजा सुनना तो एक शहजादी की तरफ ज्यादा मोहब्बत बढ़ती है कि शहजादी के जरिए इतनी औरत मुसलमान हो गई दुल्हन की कैसे बेहोश कैसे होश में आ गई वगैरह तो ऐसे ऐसे लगा कि हमारी मोहब्बत और बढ़ रही है बीबी से हम किसने लोगों को शहजादी ने एक इसके जरिए वो बना लिया तो हर एक दारो मदारे के मोजीजा तो इतने सारे है शहजादी का पूरी जिंदगी मोजीजा से भरी हुई है इतने मसाए भी खुद बर्दाश्त करे वो भी खुद मोजीजा है विलायत मौला के लिए ऐसी जिहाद करना वो खुद मोजीजा है तो ये पूरी जिंदगी मोजीजा है आप जो भी उनका मोजीजा करेंगे इंशाल्लाह आपको उसके फवायद हासिल होंगे ठीक है अच्छा एक सवाल तीन दफा अलग अलग अंदाज में पूछा गया तीन अलग लोगों से एक कह रही है कि मेरा बेटा मुझसे पूछता है कि चेस खेलना कार्ड्स खेलना क्यों हराम है कार्ड्स खेलना तो इसकी कोई ये वजह है कि क्योंकि यजीद भी खेलता था या कोई प्रॉपर इसकी कोई शरीयत में रीजन है ये काश है ना असल ये कार्ड जो है ना ये असल इन्वेंट हुआ था जुआ की सूरत में तो अगर आप अभी जुआ के बगैर भी खेला जाए तो उसकी ओरिजिन देखा जाए दुनिया में आए ये तो जब शुरू हुई तो गैम्बलिंग की चीज थी गैम्बलिंग जुआ की चीज में थी तो इस्लाम कभी अलाउड नहीं करेंगे कि पैसे के बगैर भी शरत के बगैर भी क्यों कि इम्कान है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कि इम्कान है कि शायद चला जाए उसमें आहिस्ता आहिस्ता हलाल में से हराम में चला जाए क्यों ना महरम से चैटिंग मना कर दिया आयतुल असिस्ता ने हलाल से ना महरम चैटिंग करते हराम में उतर आते कितने लोगों को ये पता चला हलाल से काम शुरू हराम तो इस्लाम पहले से ही मना कर देगा पहले से ही रोक लेगा इसमें जाना ही नहीं राइट ठीक है
और इसी तरीके से ये है कि चेस अगर हम सिर्फ मोबाइल में खेल रहे हैं माइंड शार्प करने की नियत से या वैसे ही मोबाइल में बस खेल रहे हैं तो क्या वो फिर भी सब मना है, सब हराम है। मोबाइल में खेल रहे हो कहीं भी कंप्यूटर वगैरह में सब उलमा ने मना कर दिया कि कार्ड से जिस अब वो इनो इजाजत दिया इनो वाला कार्ड पता नहीं कौन से मैं तो जाती ना बका मैंने आलिन से पूछा कि इन ओनो ओनो क्या जी, जी ओनो ओनो, ओनो जी वो उसके उसके साथ गेमलिन से कोई निस्बत नहीं है। जो ताश के साथ जो निस्बत है चाहे कि मोबाइल में खेलो किसी में खेलो सब के लिए वही मसला है कि वो जायज नहीं है। ये सवाल चेस के लिए आया शतरंज के लिए चेस ऑन मोबाइल भी उसका भी शतरंज चेस भी हराम है ठीक है सिस्तानी अच्छा एक जवाब दे दिया है ठीक है। एक सवाल ये है कि ये जो घरों में नजर के लिए एक ब्लू कलर की एक चीज होती है जिसके बीच में डॉट होता है जो ईरान से भी हमें अक्सर मिलता है स्टोन जैसा होता है जो ईरान के ब्रेसलेट्स में भी होता है। ये सवाल आ गया था ये बेकार चीज है ये कुछ नहीं है ये बोलते गलत निकाह से बचने के दुआ दुआ है हमारे पास दुआ है सब सब है दुआ है जादू जादू के बचने से दुआ है माशाल्लाह लाखो तेला बिल्ला है ये सब हम पढ़ते हैं ये 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 पत्थर जैसी चीज है इसका कोई काम नहीं है ये खाली कारोबार के लिए उन लोगों ने शुरू करवाया उनका अपना खुद के कारोबार के लिए बेकार चीज है सब बेकार है ठीक है। और ये है कि लेडीज का स्पीकर पर मजलिस पढ़ने के बारे में इस्लाम क्या कहता है इस औरत लाउड स्पीकर में मजलिस पढ़ सकती है मर्शिया नहुआ कुरान कसीदा सब सब नामहरम सुन सकता है इल्ला कि अगर गाने के सूरत में कर रही है गाने के सूरत के वो ट्यून में कॉपी कर रही है वो हराम शादी के गाना नामहरम नहीं सुन सकता बेहुदा बातें होती है वगैरह शादी के गाना नहीं सुन सकता है नामहरम मगर कसीदा जिसके दीन से निस्बत चीजें है अगर शादी के गाने से उन्होंने क्यों नहीं लिया है तो वो नामहरम सब सुन सकते मजलिस नवा मर्शिया कुरान सब सुन सकते नामहरम की आवाज ठीक है। नमाज की आवाज का पर्दा जायतुल्ला सिस्तानी का है नमाज की जो आवाज है ना वो नामहरम नहीं सुन सकता जायतुल्ला सिस्तानी ने कहा उसमें भी इज्जा के फयाजी ने मुस्ताहब कहा करार दिया कि मुस्ताहब के ना सुने नमाज की आवाज का पर्दा इज्जा के फयाज सिस्तानी ने तो एहतियात वाजिब कह दिया कि नमाज की आवाज ना मेरा नहीं सुने। और ये आखिरी सवाल है कि हैज के दौरान किसी मासूम के हरम में कहां तक जाने की इजाजत है क्या जरी के करीब जा सकते हैं अगर हाथ ना लगाएं बस करीब जाने की इजाजत है 14 मासूमीन में तो बिल्कुल जायज नहीं है मासूम इमाम में वहां तो बिल्कुल जायज नहीं है इमामों का रोजा है सारे इमामों का रोजा में तो बिल्कुल है जरी तो बहुत दूर वहाँ करीब कॉरिडोर में भी नहीं जा सकते अतराफ में जो जरी का रूम है उनके अतराफ में कॉरिडोर वहां तक नहीं जा सकते कॉरिडोर के बाद सब जगह जा सकते हैं जहाँ इमाम दफन हुए हैं वो जगह वो आकुड़ी जगह और उसके साथ जो अटैच में कॉरिडोर होते वहां तक उलमा मना करते हाइज वाली औरत निफास वाली औरत जनाबत वाली औरत मर्द यहाँ वहां नहीं जा सकते उसके अलावा बाकी पूरे हरम में जा सकते तो उनको दूर से जरी को सलाम करना पड़ेगा दूर से ऐसे इशारा कर ले वो टच बिल्कुल अंदर नहीं जा सकते जहां इमाम दफन हुए वो कमरे में तो जा ही नहीं सकते सवाल ही नहीं मगर बीबी जैनब है मासूमा कुम है हजरत अब्बास है वहां न जाना बेहतर है न जाना बेहतर तो क्यों न जाना बेहतर तो वहां भी क्यों जाए जबकि बेहतर है कि न जाओ मगर 14 मासूमिन में से जो मौजूद है जिनका रोजा वहां तो वो रूम और साइड का कॉरिडोर में मना करते उलमा ठीक है उम्मीद है कि बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा इंशाल्लाह बाकी के सवाल भेज देना क्योंकि आज हमारे पड़ोसी में किसी औरत की 40वें की मजलिस है तो फौरन जाने का है तो आज जाती हूँ आप इंशाल्लाह सवाल मुझे भेज देना इंशाल्लाह परवरदिगार हम जो इल्म हासिल कर अमल करने की हमें तौफीक अता कर परवरदिगार हमारे घरों को जन्नत बनाने की हमें तौफीक अता कर परवरदिगार मसाइब से हम न डरे मसाइब का मुकाबला करके अपने को बेहतर से बेहतर मुमिना बनाए ताकि इमाम जमाना का जल्द जुहूर हो जाए परवरदिगार हमें औलाद की बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक अता कर हमारे बच्चे मजलूम है हमको क्वालिटी टाइम देना हमारा सबसे बड़ा फर्ज है हम उनको क्वालिटी टाइम दे हम सब्र करके बच्चों की जिंदगी बेहतरीन गुजरे परवरदिगार हमारे इमाम जमाने के जुहूर में ताजील फरमा तमाम मरीजों को शिफा आजिल और सेहत अता कर पदवेगा जो बे औलाद वास्ते जनाब अली असगर को नेक साल औलाद अता कर पदवेगा जो शादी की उम्र पहुंच चुके शहजादी फातिमा जहरा का वास्ता जनाब मासूमा कुम का वास्ता उनके बेहतरीन कफू अता
परवरदिगार देवा जमान का जहूर में ताजीर फरमा हमें उनका नाश्ता मदगान शाह सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعليها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك أساطير خدا حافظ في أمان الله